इसकी जो है ना, मैं आप देखता हूँ एक मिनट क्या करता है, ये क्या करता है, रैंकिंग असाइंस रैंक फ्रॉम वन थ्रू द नंबर ऑफ वैलिड डेटा पॉइंट्स इन एन एरे, द रैंक मेथड ऑफ द सीरीज एंड डेटा फ्रेम आर प्लेस टू लुक, रैंक मेथड फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम आर द प्लेस टू लुक, प्लेस देखता है ना उनकी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रैंक ब्रेक टाइप, रैंक ब्रेक टाइप, टाइप पड़ जाता है तो कैसे ब्रेक करता है, बाय असाइनिंग ईच ग्रुप द मीन रैंक, दोनों ग्रुप को क्या देता है वो, मीन रैंक दे देता है। अरे बात सुन, ये टाइप वाला तो सेवन वाला हो गया सर, असल में ये जानना चाह रहे हैं कि 6.5 वो सेवन है तो 6.5 कैसे आया सर, यही चीज क्लियर नहीं हो रही, टू कैसे आ रहा है, थ्री कैसे आ रहा है सर, 4.5 कैसे आ रहा है, ये चीजें कैसे आ रही हैं सर। अच्छा, ये क्या करता है, भैया आप लोगों से गुजारिश है कि जब बात कर रहे हो कोई नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, ये कर दिया करें, ये बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों बच्चों की तरह करते हैं यार ये बात, उनको खुद भी महसूस हो रहा है मेरे बैक पे शोर हो रहा है तो मैं खुद ही म्यूट कर दूं, भाई वैसे म्यूट करके रखो, बोलना हो तो ऑन करो, फौरन बात खत्म करके म्यूट कर दो, खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, सभी ये अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कर रहा था, मालूम थी बात, लेकिन ये भी मैं इसको कैटअप नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे निकाल रहा था ये, वैसे अगर ये वाला कंफ्यूजन थोड़ा होता है, इसके मीन चीन निकाले करता जब मैं अभी बताता हूँ इसको, लेकिन अगर आप फर्स्ट इसमें लगा देंगे और वो कीवर्ड लगा देंगे तो फिर वो सिक्वेंस में चलता है, वो मसला हल कर देता है, सिर्फ ये इसके अंदर जो है ना बंद करा दूंगा इसको। जी जी बोले सर, इसमें रैंकिंग जो है वो की जा रही है, मतलब टू सेवन्स जो हैं उनके जो रैंक 6 और 7 हैं, तो वो जब ऐड होंगे और टू पे डिवाइड होंगे तो फिर 6.5 आएगा, इस तरह से। अच्छा, अलग शुक्र, हेलो जी जी, उसमें कौन सा कोर्ट हम लोग करने चाहिए, वो तो आप देख लो, आप किस में करना है, वर्ड में करना है, एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है। अच्छा नहीं, सर, ये सब टैंकियां मार रहे हैं तो मैं भी एक टैंकी मार लू इस मामले में। हाँ हाँ बोले बोले, मेरा ख्याल से हर नंबर को जो है ना वो एक रैंक ऑलरेडी असाइन होता है, जब हम री रैंकिंग करते हैं तो वो छोटे से लेकर बड़े तक सबको एक रैंक देता है, जैसे -5 का सबसे छोटा है तो उसको उसने अब उसके बाद 0 है तो 0 को 2 दिया है, लेकिन जब जैसे 2 4 है वो सेम है तो, और 2 7 है वो सेम है, तो इस वजह से उनको रैंक डिवाइड कर दिया 4.5 एंड 6.5 जो है वो उससे बड़ा। सुने भाई सुने, जरा एक मिनट कॉल ले लूं, कौन है ये भाई? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, से बात कर रही हूं ना। जी जी बोलो। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था ये इसमें कौन से इसमें करेंगे एक्सेल की, मतलब वो करना, मतलब मैंने जो पोस्ट की है ना उसमें एग्जाम कोड के साथ जो है ना लिंक लिखे हुए, आप देख लो कौन सा वाला एग्जाम आपको सूट कर रहा है, आपने किसकी तैयारी की, सारे तो नहीं करने पड़ेंगे ना, आपकी मर्जी है, एक भी कर लोगे तो एमओएस मिल जाता है। वही बात है, कौन सा सही रहेगा भाई, वो तुम देखो ना, तुमने कौन सा पढ़ा, 2013 पढ़ा है, 17 पढ़ा है, 20 पढ़ा है, 21 पढ़ा है,
जाके उसमें देखो कौन सा उसका कोड है, वो करो सर उसका वो लर्निंग का मटेरियल मिल जाएगा ना, देखना पड़ेगा वो मेरे पास, मैं पूछता हूँ किसी से। चलो अभी मैं क्लास में हूँ, फिर मुझे फारिग में करना तो मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा क्या कह रहे थे हम रैंक का? सर मैं ये कह रहा था कि जब आप रैंक की कमांड चलाते हैं तो जितने भी नंबर्स हैं उनको सबसे छोटे से सबसे बड़े तक रैंक असाइन कर देता है। हमारे पास माइनस फाइव सबसे छोटा है तो इसको रैंक वन दिया है, फिर जीरो उससे बड़ा है तो उसको रैंक टू दिया है, लेकिन जहाँ रिपीट हो रहे हैं नंबर जैसे सेवन और फोर और फोर रिपीट हो रहे हैं तो उनको डिवाइडेड रैंक दिया है, 4.5, 4.5, 6.5, 6.5। लेकिन जब हमने मेथड फर्स्ट दे दिया, जब ने मेथड फर्स्ट दिया तो जो पहला आ रहा है उसमें वो तो ये तो मेरे जहन में है कि ये क्या करता है, डिवाइडेड रैंक देता है जहाँ टाई पड़ जाती है, और वो जो रैंक होता है उसका मीन निकालता है, वैल्यूज का मीन नहीं निकालता, वैल्यूज तो वही रहती है। तो अभी अभी ये जो अभी आउटपुट ये कैसे बन रहा है सर? ये अलीरजा बात कर रहा हूँ, इसमें ना इसके मैं अभी नेट पे इसका देख रहा था, ये इसका मेथड है, या आप ये इसमें मेथड दे सकते हैं एवरेज, मीन, मैक्स, फर्स्ट और डेंस, इन मेथड्स की बेस पे ये ना रैंकिंग बनाता है। नहीं वो तो नीचे वाले है ना, वो तो नीचे वाले है, मैक्स वाला, मीन वाला। अभी जब हम कोई मेथड नहीं देंगे ना, जब वो ये एवरेज है, हाँ, अब ये क्या करता है, जैसे ये स्पिन कह रहा है 6.5 कैसे दे रहा है सर इसको? हाँ चलो इसको छोड़ो, मैं अगर आप फर्स्ट मेथड को चेक करें ना आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मेथड में हो ये रहा है कि जो पहला आएगा उसको वो रैंक पहले दे देगा, वही कर रहा है यहाँ पे भी काम, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जा रहा है। माइनस फाइव को उसने वन दिया, जीरो को उसने टू दिया, फिर टू को उसने थ्री दिया, फिर फोर को उसने, फोर दो थे तो एक को फोर दिया, एक को फाइव दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले को हमने पहला रैंक कह दिया। इसी तरीके से माइनस फाइव कहाँ गया? माइनस फाइव सबसे छोटा है, इस वजह से उसको फर्स्ट रैंक दिया वन, फिर उसके बाद जो बड़ा है वो जीरो है तो उसको टू रैंक दिया, फिर उसके बाद जो बड़ा है वो टू है उसको थ्री रैंक दिया, फिर उसके बाद जो बड़ा है वो फोर और फोर है। तो जब हमने मेथड फर्स्ट नहीं दिया तो उसमें उसने मीन मेथड दिया और फोर को दोनों को डिवाइड करके दिया, वो फोर और फाइव बन रहा था और उसका मीन निकाला, 4.5 रैंक दे दिया। जब हम फर्स्ट लेते हैं तो उसमें से एक को फोर दे दिया जो पहला आ रहा था, और जो बाद में आ रहा था उसको फाइव दे दिया। वो तो फर्स्ट में तो क्लियर हो जाता है, मसला नहीं होता। बिल्कुल, सिक्स और सेवन आगे तो ठीक है, वरना इसको मैं फिर किसी की जगह अभी ठीक है करा दूंगा मैं। प्रॉपर है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी सबने, होपफुली कहाँ तक पढ़ ली? सर एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, उसमें एक चीज समझनी है सर, पहली जी पूछे, सर जो हमने मॉडल मॉडल डिफाइन किया था जहाँ पे हमने मॉडल सिक्वेंशियल और उसमें हमने डेंस लेयर ऐड की थी, उसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर दिए है वन और इनपुट शेप दी है वन, इसकी थोड़ी कंफ्यूजन है, ये फर्स्ट वाला वन और जो शेप वाला है उसकी तो समझ आ रही है, वो शेप है, ये वन किस चीज को मेंशन कर रहा है? ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने उस वक्त दी ही नहीं थी। इंशाल्लाह ये अभी हम पढ़ेंगे तो फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको करके दूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जी पूछे। बात कर रहा हूँ, एक एक जस्ट चीज जो है मेरे जॉइन और मर्ज के हवाले से थी, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि जॉइन और मर्ज एक्चुअली सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैं डेटाबेसेस में काम करता हूँ तो जॉइन में एक बस एक से ज्यादा हो जाते हैं ना, बहुत सारे एक साथ ज्वाइन लगा उसमें डेटा कम्बाइन की बात कर रहे हैं ना, कम्बाइन और मर्ज नहीं, जॉइन और मर्ज जो मैथड जो दो मेथड मेथड है ना, एक जॉइन का मेथड है और एक मर्ज का, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों सेम ही है, देयर कुड बी माइनर डिफरेंस, क्योंकि जो जिस तरीके से ये मेथड ये दोनों जो ना जॉइन डाटा कर रहे थे वो उसका रिजल्ट वगैरह सेम ही आ रहा है।
तो ये क्लियर करना था कोई इसमें आप एक काम किया करें, आपका जो इंट्यूशन डेवलप हो गया ना उसकी कोई नोटबुक बनाया करें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा करें, ग्रुप में डाला करें, कोई छोटा सा वीडियो बना के जो है ना रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर डाले ताकि सबको जो है ना वो बात पता चले। ठीक है, बस मैंने कहा मैं क्लियर कर लूं क्योंकि वैसे मैंने नेट पे भी इसका बारे में पढ़ा तो मुझे उन्होंने यही पता चला कि जाए जो मर्ज है उसमें आई थिंक वो कुछ किसी लेवल पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अदरवाइज दोनों सेम है। सही सही। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो नहीं एक्चुअली मतलब एक कमेंट है, तो उस पे आपका रिस्पांस मुझे चाहिए। जैसे कि हमारा ये बूट कैंप चल रहा है क्लाउड वालों का, क्लाउड कंप्यूटिंग वालों का, मेरी उसी के उसी पे बेस है, तो क्या जैसे कि कैगल के लिए के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कुछ ऐसा मतलब आपने कोई इससे जो पहली क्लास हुई कुछ सोचा या कुछ मतलब है प्लान या कुछ है कि उसके लिए भी एक ग्रुप बनाया जाए? चले एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो, विनिंग एंड लूजिंग इज समथिंग, पार्टिसिपेशन तो एटलीस्ट, मैं भी यही कहता हूँ पार्टिसिपेशन तो। तो क्या हमें एक ग्रुप नहीं बनाना चाहिए और उस पे सबसे पहले काम करने की, जो मैं देख रहा था मैंने चैप्टर पढ़ा है सारा, तो ओवरऑल जो जैसे उसने खुद ऑथर ने बताया है कि दो किस्म के जो है ना इस पे वो चार, जो विनिंग है पिछले जब से ये बुक लिखी गई है वो या तो एक्सजी बूस्ट था जो कि स्ट्रक्चर डाटा पे जो काम कर रहे थे, और उस पे जो पीछे एल्गोरिथम चल रहा था वो यही है जो हमने इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि ग्रेडियम बूस्टिंग मशीन जो है वो स्ट्रक्चर डाटा के लिए बेस्ट है जो टिल डेट जो थी, और इस तरह उसने कहा हुआ था कि बैक प्रोपेगेशन जो है वो इसके लिए बेस्ट है जो है परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कवर नहीं होता, और उसके पीछे ग्रेडियंट जो डिसेंट जो है ऑप्टिमाइजेशन वो वर्क कर रही होती है। यानी कि उसने एक्चुअली चले जो लाइब्रेरीज हैं जैसे कैराज है वो मतलब टॉप कर रही है जो कि इन्हीं पे बेस कर रही है ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिसेंट पे ऑप्टिमाइजेशन पे और बैक प्रोपेगेशन पे, और एक्सजी बूस्ट जो के वर्क कर रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स पे, तो वो ये है। तो हम यानी कि इसको इस तरीके से यानी कि स्टार्ट करके क्या टूल्स चाहिए, टूल्स से मुराद ये है कि पीछे जो एल्गोरिदम है बेस्ट कौन से हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, और जो लाइब्रेरीज हैं जैसे कि कैराज वो तो आप स्टार्ट कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब आपके जो है ना गाइडेंस पे हम कर ही रहे हैं, तो फिर एक्सजी बूस्ट भी लेटर ऑन वो भी देखा जा सकता है, पहले तो चले एक को हम कर लेना कर लेना। अच्छा, उसमें आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास होता है ना थोड़ा लिमिटेड टाइम और लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है जी जी। तो लेकिन ये हो सकता है कि जब आप डीप लर्निंग कर रहे होंगे, अब डेटा की फेमिलरिटी आपके साथ हो गई, डीप लर्निंग आप कर लेंगे, मॉडल्स के बारे में नॉलेज आ जाएगी, उसकी वर्किंग के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर अब ये होता है कि आप इसमें अब और कितने एफर्ट डालते हैं कि चलिए यार आपको लगता है कि एसडी बूस्ट भी मुझे करना चाहिए, ठीक है आप मुझे बताएं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, और कोई चीज लर्निंग के लिए चाहिए, सारी चीजें चाहिए आप मुझे बताएं, आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन वो उस डायरेक्शन में जब हमें जाना पड़ेगा ना मल्टी एल्गोरिदम्स की तरफ, तो वो उसमें स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना एफर्ट जो है ना खुद डाले, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम एग्जीक्यूट भी करें यहाँ पर टेस्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन भी करें और सारी चीजें। मैंने सोचा है, मैं जो है ना एक जैसे कोई एक नाइव किस्म की थिंकिंग या एक बेसिक लेवल की थिंकिंग वो ये है कि क्या एक ग्रुप एस्टेब्लिश कर लिया जाए, और जहर इस क्लास के अंदर तो नहीं उसके लिए कोई वो भी वीकली या बाय वीकली एक मीटिंग हो जाए करे, एक ये हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आप तो जो है ना आप हर पिछली क्लास में भी शायद मैंने ये कहा था, आपकी क्लास थी संडे की थी, कि अपने अपने सिटी अपने ग्रुप में पोस्ट करें जितने भी चैनल ग्रुप हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से कितने लोग हैं, पिशावर से कितने लोग हैं, कराची से कितने लोग हैं, अपना अपना मीटअप करें, वीक में एक आध दिन दो दिन मीटअप करें, कहीं बैठे मिलके प्लान करें कि करना क्या है, नेटवर्किंग जरा सी बढ़ाएं, ठीक है, प्लस जो है, और अगर मीटअप नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जूम पे तो हो सकता है ना, जूम पे मीटअप कर लें, के बीच आप एक जो है ना वो बना लें ग्रुप बना के जो है ना वो करें स्टडी करें और उसको जो है ना वो पढ़े पढ़ाए, कुछ एक्टिविटी नजर आए, करंट नजर आए, ठीक है। लेकिन नहीं सर, जैसे मैं क्यों मैंने स्टार्ट जिससे किया था वो कमेंट नोटवर्दी था, जैसे कि AIC ने खुद से बूट कैंप के बारे में इनिशिएटिव लिया है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि जैसे कि अब इसी चैप्टर में मेंशन किया हुआ है
यूनिवर्सिटीज के बकायदा वर्किंग प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, दे आर विनिंग दिस एंड दे आर लीडिंग दिस। एक्चुअली जो है ना पॉइंट ये होता है स्टूडेंट्स का, देखें वो ये होता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लूज कर सकते हैं, जैसे बूट कैंप है उसमें जो करना चाह रहे पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं, ये तब तक मुझे पॉसिबल नहीं लगता, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसमें एक या दो इंस्पायर भी होंगे, लेकिन इसमें एक सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एक ये, इसके अलावा आपको पता है कि इसके लिए अगर जब इस लेवल के कंपटीशन पे जाना है रिसोर्सेज का भी आ जाएगा, जैसे कि जीपीयू, अब जीपीयू वाला जो पीसी वो लेंगे तो अब जाहिर है कि वो कोई 2-2.5 लाख 3 लाख से कम की मशीन नहीं आएगी, नॉर्मल हमारी मशीन से काम नहीं करेंगे जब हमने कही है। इसमें मल्टीपल चीजें हैं कि जो जिसमें एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, जैसे हम इस पे इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों पे भी जो AIC की तरफ से इनिशियल एक ग्रुप होना चाहिए। अब जो 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 विलिंग और जिस हद तक वो कमिटमेंट शो करना चाहेगा वो करता, जैसे कि बूट कैंप में कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इट शुड कम फ्रॉम जो है ना, मेरी सजेशन है जो आपके थ्रू जो है ना मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन देखिये उसमें मैं आपको बहुत ट्रूली स्पीकिंग ये बात स्टूडेंट्स को जो है ना अच्छा भी नहीं लगेगा, और के हमारे यहाँ भी हो क्या रहा है, देखिए ये क्लास में आपकी क्लास में 540 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेटेड, जिसमें से इस वक्त 11:34 पे 90 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, सोचना ये हमारे पार्ट पे ठीक है ना, ये 15-16% जो है ना वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा ये 15-16 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसमें से भी मैं सब कहता हूँ 50% माइनस कर दें जो वीक में इसके ऊपर मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, 50% लोगों ने भी दोबारा इसको जो है ना वीक में नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि ये अब मुझे भी नजर आ रहा है और मैनेजमेंट को भी नजर आ रहा है कि ये पार्टिसिपेशन है, ऐसे में वो मैनेजमेंट जो है ना वो क्या डिसीजन लेगा यार इनको और हम किस तरफ डालें। अगर अब उसमें ये हो सकता है कि हाँ बहुत सारे मिलके जो है ना इस चीज की डिमांड कर रहे हो, ग्रुप्स के ऊपर नजर आ रहा हो कि ये डिस्कशन चल रहा है उसका, तो फिर मुझे भी शौक पैदा होगा नहीं यार इनको कराना चाहिए, हमें इनको साथ शामिल होना चाहिए, मैनेजमेंट भी मजबूर होगी नहीं कोई ऐसा जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लिया जाए, लेकिन उसके लिए जो है ना वो प्रेशर बिल्टअप और शौक और एंथुसिएज्म और विलिंगनेस और ईयरनेस जो है ना वो स्टूडेंट के ना नजर आनी चाहिए, वो जो है ना वो मुश्किल से नजर आ रही है। और फिर बात यह है कि जब वो रेगुलर कोर्स नहीं पढ़ रहे तो फिर वो एडवांस लेवल में पार्टिसिपेशन के लिए जो है ना इनिशिएटिव लेना, उसमें जा रहे टीचर्स को असाइन करना पड़ेगा, उसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उसमें कॉस्ट आती है सारी चीजों की, लेकिन वो उसपे उसको मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए आप सबको मिलके जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है ना अपना वर्कआउट जो है वो शो करना पड़ेगा कि जी जो है ना इस चीज को करें या ये करें, हमें इसमें हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हम एक उसमें कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप बनाए, हमारी उसमें जो है ना गाइडलाइन दी जाए, सारी चीजें की जाए, बूट कैंप की तरफ के लिए जाए कैसे के लिए जाए, लेकिन फिर इन द एंड बात वही आती है कि स्टूडेंट कितना विलिंग है इस चीज के लिए। ये जो 540 कह रहे हैं कि 6 बैचेस में डिवाइड होके 90 एवरेज बनता है ना पर क्लास? नहीं भाई, ये 3000 बच्चे हैं जो 6 क्लासों में डिवाइड है। अच्छा सर एक और था वो रिलेटेड टू दिस चैप्टर था, चले ये तो पॉइंट वेल अंडरस्टूड एंड वेल नोटेड, लेकिन ये कि स्टिल जो है ना कि इस पे अभी देखा जाए क्योंकि बूट कैंप में इस पे फिर एक काउंटर आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि बूट कैंप पे कैंप पे भी यही है कि वो भी ऐसे इनिशिएटिव है, ओके हु एवर वो तो इनकल कर रहे हैं कि जितने भी हैं 2000 या 3000 दे आर शुड पार्टिसिपेट, लेकिन कितने कर रहे होंगे वो 2 या 3% हो, इस वजह से हम ऑल टुगेदर, क्योंकि पर्पस जो PIAIC का ये था कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसे जो है बैजेस निकाले जाएं कि जो कि पाकिस्तान को भी पर्सनली उनको बेनिफिट हो, पाकिस्तान को बेनिफिट हो, ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, तो अगर उस विजन को सामने रखा जाए तो ये चीजें बेशक ये है, लेकिन एक जैसे आटे में नमक के बराबरी सही है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स हैं जो आप भी समझते हैं कि जो है वो एफर्ट कर भी रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो बात ये है कि उस जैसे आपने अभी मुझसे बात की है, अभी आप फोरम पे भी पोस्ट करें इस तरह की रिक्वायरमेंट पोस्ट करें, मैनेजमेंट को टैग करें ताकि उनको पता चले क्या मेरा, मैं भी जो है ना वो उस पर जो है ना कमेंट करूं या उनसे पर्सनल में जो है ना बात करूं। ठीक है सर, सही इस तरह करें। अच्छा सर अब इसमें जब ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये भी जो ऑटोमेटिक नहीं होती जो है ना कि इंट्यूटिव वे में लर्न नहीं करता उस तरह से, ये भी
प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं या स्पेस होती है जिसके अंदर, जिसे हाइपोथेसिस स्पेस कहते हैं, जो है न्यूरल नेटवर्क्स उस पे वर्क कर रहे होते हैं. तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या, यानी कि क्योंकि ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ है जो है, तो उसके साथ भी हम प्ले कर सकते हैं. ये प्री मेच्योर क्वेश्चन है, मुझे पता है कि लेटर ऑन ये होगा कि शायद हमें पता लग जाए हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे कि प्री में होगा कि बैक प्रोपेगेशन का डाला हुआ है, लेटर ऑन में पता लगता है कोई इससे बेहतर भी एल्गोरिथम है. फर्स्ट करें लेटर ऑन वी कम अप विद जो है ना कि कोई हम में से कोई आता है या कोई और आता है, तो क्या हम उस प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो है स्पेस हाइपोथेसिस स्पेस है उसके अंदर वो वाला डाल के तो उसको भी एक्टिवेट करा सकते हैं. अच्छा, इसमें दो बातें हैं, ठीक है. ये काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम इसके हाइपोथेसिस स्पेस को बढ़ा दें, ठीक है ना, ये काम है प्योर एल्गोरिदम लेवल पे. जी ठीक है ना, कि आप एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर रहे हैं या उसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. अच्छा, इस काम के लिए जो है ना वो ज्यादातर काम जो है ना ये रिसर्च एरिया में जो है ना एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव किया जाता है और जिसके अंदर जो है ना बड़ी हाईली जो है ना स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है. अच्छा, हमें जो उन्होंने यहाँ काम दिया हुआ है वो काम क्या है, वो हमारे पास बिल्कुल ही हायर लेवल का है. हायर लेवल से बराबर ये है कि इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफाइंड चीजें बना दी गई, हमें उनको सिर्फ कस्टमाइज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. हमें आप देखेंगे कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ हम चीजों को जो है ना वो कॉल आउट कर रहे हैं अपने पास जो है ना पिनअप करते जा रहे हैं और हमारा जो है ना एक मॉडल जो है ना स्ट्रक्चर खड़ा हो जा रहा है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारा काम जो है ना वो चलना शुरू हो गया, ठीक है. अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं जी जो जो ऑप्टिमाइजर है या दूसरी किस्म के ऑप्टिमाइजर है यार मैं इस ऑप्टिमाइजर को इम्प्रूव करूं, तो फिर वो एक ऑप्टिमाइजर के ऊपर हमें बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी सारी मैथमेटिक्स को पहले समझना पड़ेगा, फिर नया उसमें क्या करना है, उसमें क्या जो है ना वो मैथमेटिक्स लगेगी. ये जाहिर है इसमें एक एक एल्गोरिदम के ऊपर जो है ना वो सालों लग जाते हैं इम्प्रूव करने में. exactly, पूरे है ना? तो हाँ, तो ये चलता है सिलसिला, लेकिन डूएबल है, हो सकता है. और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो आगे जो है ना इस एरिया में रिसर्च को परस्यू करें, माइट बी कि वो किसी एल्गोरिदम पर काम करें, कोई नया एल्गोरिदम बना ले, किसी पुराने एल्गोरिदम को जो है ना इम्प्रूव कर दें जिससे एक्यूरेसी रिजल्ट जो है वो अच्छी आ जाए. क्योंकि डीप लर्निंग का एडवेंट भी इसी तरह हुआ कि जो मशीन लर्निंग स्टक हो गई थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे वो डीप लर्निंग को ले आए, उन्होंने इन्वेंट कर ली और आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो ये सारा तो जो है ना वो वही बात है, जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे उतना जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन डूएबल है. Doable, जो आप बात कर रहे हैं वो हो सकती है. right. सिर्फ सही है. थैंक यू सर. आई एम डन. अच्छा जी, हम यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो है ना हमारे पास, मैंने कोशिश की थी छोटी छोटी सी एग्जाम्पल देके इस पैराडाइम को समझाने की कि हमारे पास जो है ना वो क्या सिलसिला जो है वो चल रहा होता है, क्लासिकल अप्रोच और जो मशीन लर्निंग अप्रोच है वो क्या चीज है, उसमें हम क्या चीज डेट कर रहे होते हैं और फिर उसको किस तरह हम नए डेटा पे वो रूल अप्लाई करके रिजल्ट्स जो है उससे मांग रहे होते हैं. एक कहते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम ट्रेन रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है, ये हमेशा जो है वो ट्रेन होता है, अभी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होता. इट्स प्रेजेंटेड मैनी एग्जाम्पल्स, अभी पूरा वही फलसफा बता रहे हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम डेटा की और उसके आंसर ही देते हैं, वो उसमें क्या करता है, वो उसमें स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो फाइंड आउट करता है, ठीक है, और इवेंचुअली अलाउज द सिस्टम टू कम अप विद द रूल फॉर ऑटोमेटिंग द टास्क, और इवेंचुअली वो उस रूल पे पहुंच जाता है, निकाल लेता है वो रूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिससे वो टास्क ऑटोमेट हो जाता है. एग्जाम्पल यहां दे रहे हैं, इफ यू विश टू ऑटोमेट द टास्क ऑफ टैगिंग योर वैकेशन पिक्चर्स, अगर आप करना चाह रहे हैं वेकेशन की पिक्चर्स टैग करना चाह रहे हैं, यू कुड प्रेजेंट अ मशीन लर्निंग सिस्टम विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ पिक्चर्स ऑलरेडी टैग्ड बाय ह्यूमंस. तो हम डाटा तैयार करेंगे कि पहले उसे दिखाने के लिए जो हमने खुद एनोटेट किया होगा उस पर लेबल्स लगाए होंगे, एंड द सिस्टम कुड लर्न स्टैटिस्टिकल रूल्स फॉर एसोसिएटिंग स्पेसिफिक पिक्चर्स ऑफ स्पेसिफिक टास्क, और उससे जो है ना वो क्या करेगा, कर लेगा. अच्छा, अब ये वाली जो इन्होंने मिसाल दी है, ये हम गूगल की फोटोज के अंदर जो है ना वो बार बार देख रहे होते हैं कि भाई गूगल फोटोज में हम, क्योंकि गूगल फोटोज में फोटोज अपलोड कर रहे होते हैं तो हमने कोई टैग नहीं लगाया होता, लेकिन गूगल ने अपने मॉडल जो ट्रेन किया वो उस तस्वीर को स्टैटिस्टिकली रीड करता है
पिक्सल्स को रीड करता है और खुद ही जो है ना वो गैस कर लेता है कि जिस तरह के पिक्चर जो है ना किस बारे में है, जो इसका टैग जो है वो क्या होना चाहिए। तो फिर आप टैग से तस्वीर सर्च करते हैं और जो है ना वो आपको जो है रिजल्ट जो है वो आ रहे होते हैं। किया है किसी ने एक्सपेरिमेंट इसको चेक किया है? मैं ये दिखा दूं आपको फोटोज, अब ये मेरे पास जो है बहुत सारी जो है वो फोटोज हैं, ठीक है, जो इसको मैंने जब अपलोड किया हुआ है तो ये किसी भी तरह जो है वो टैग नहीं है, मैंने इस पर कोई जो है ना टैगिंग नहीं की हुई, ठीक है, कोई टैगिंग नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पर मैं किसी, जी जी सर, ये जो आप टैगिंग का बता रहे काम ये मैंने किया हुआ है इसके साथ, गूगल फोटोज के साथ। नहीं, अपना टैगर बनाया हुआ है या सिर्फ अप्लाई वो चेक किया हुआ उसको? चेक किया हुआ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट में बात करता हूँ आपसे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई कोई जो है ना इस किस्म की तस्वीरें ले आओ, चलो मैं ये सर्च कर लेता हूँ, मैंने कहा भाई ये तस्वीर जो है ना ये पिक्चर्स ले आओ। अच्छा, ये मैंने वहां लिख के नहीं लगाया, लेकिन मॉडल ट्रेन हुआ हुआ, उसने उन पिक्चर्स को रीड किया हुआ है, रीड करने के बाद उसने टैग भी खुद ही कर दिया है, जो भी तस्वीर अपलोड हो रही है गूगल का सिस्टम सारी तस्वीरों को क्लासिफाई करके डालता जा रहा है, उस पर टैग लगा के डालता जा रहा है। अब मैंने ये टैग्स लगा के जो है ना वो सर्चिंग करना शुरू करी, आप देखेंगे बिल्कुल सही तस्वीरें जो है ना वो लेके आ रहा है, किड्स और गार्डन, उस कीवर्ड्स को समझ रहा है और जाके उनमें से ढूंढ रहा है। खूबसूरत बात यह है कि मैंने यहाँ तस्वीर पे कहीं नहीं लिखा, वो तस्वीर को रीड कर रहा है, वो देख रहा है इंसानी आंख की तरह, मिमिक कर रहा है कि भाई ये ग्रास नजर आ रही है, फूल नजर आ रहे हैं, सारी चीजें, तो ये क्या हो सकता है, गार्डन हो सकता है, और ये जो फेस नजर आ रहा है ये बच्चे का फेस है। तो ये जो है ना काम जो है ना अब गूगल का मॉडल जो है वो इतना ज्यादा जो है वो ट्रेन इस पे हुआ हुआ है। तो लेकिन वो बिल्कुल क्या करता है, स्टैटिस्टिकल रूल्स जो है ना उस पर काम कर रहा होता है, ये किसी भी तरह से जो है ना जिस तरह हम लोग किसी तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं है, टोटल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल है। सर इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? इसकी गूगल वाले की, गूगल की एक्यूरेसी तो बहुत जबरदस्त है, आपने देख लिया अपने सामने कि बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी। हम भी बनाएंगे अपना टैगर, हम भी अपनी तस्वीर को टैग कर सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें देंगे, पहले उसे सिखाएंगे। लेकिन गूगल का मॉडल उसके पास इतनी तस्वीरें अरबों खरबों तस्वीरें हैं कि उसने दुनिया की तकरीबन चीजों को कवर अप कर लिया, मॉडल ने उस पर ट्रेन कर लिया। यानी अगर मैं आप उसको यूं समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस बात से अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं कि यार ये जो है ना वो ह्यूमन है या एनिमल है, तो इसके लिए ही सिर्फ इन दो चीजों पे दो टैग कर दे भाई कि जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये ह्यूमन है या एनिमल है, इसके लिए ही मुझे कोई 10-15 हजार तस्वीरें चाहिए होंगी, इसे दो क्लासेस हैं, ठीक है। और गूगल ने हर चीज पे ट्रेन कर लिया है, तो उस नंबर ऑफ क्लासेस ही मिलियंस में चली गई और उसके उसके लिए ट्रेनिंग के लिए डाटा ही जो है ना वो मिलियंस मल्टीप्लाई बाय मिलियंस जो है ना उतना डाटा बच रहा है, उनके पास डाटा है तो उन्होंने मॉडल तैयार कर लिया, मशीनरीज है, रिसोर्स है उनके पास हो गए। हम ऐसा करेंगे, हम 2-3 क्लासेस के ऊपर जो है ना एटलीस्ट ट्रेन कर सकेंगे, 8-10 तस्वीरें हैं उनमें से भाई ये बता सके कि ये क्या चीज है। अच्छा जी, ऑल्सो मशीन लर्निंग ओनली स्टार्टेड टू फ्लोरिश इन 1900s, इट हैज क्विकली बिकम मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट सक्सेसफुल टूल एआई, ट्रेंड ड्रिवन बाय द अवेलेबिलिटी फास्टर हार्डवेयर लार्जर डेटा सेट्स। मशीन लर्निंग इज टाइटली रिलेटेड टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बट इट डिफर्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज, इसमें इन्वॉल्व होती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। बहुत आगे जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा यार इसमें तो फिलोसफी भी जो है ना पूरी इन्वॉल्व होती है, सारी चीजें होती है। अनलाइक स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग टेंड्स टू डील विद लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, अब स्टैटिस्टिक्स हम जो है ना आमतौर पर बहुत बड़े डेटा सेट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो डील विद लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या होता है ज्यादातर सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, सच एज डेटा सेट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इमेजेस,
ईच कंसिस्ट ऑफ टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, मिलियंस इमेजेस हैं और लाखों पिक्सल जो है ना वो इमेजेस के अंदर जो है ना, या हजारों पिक्चर पिक्सल जो है ना एक इमेज के अंदर जो है ना हो सकते हैं. होता क्या, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाटा. डाटा से क्या क्या चीजें होती है देखिए, कहते हैं अभी मशीन लर्निंग करने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत है, पहले ये बात करते हैं. डिफाइन डीप लर्निंग, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड अदर मशीन लर्निंग अप्रोचेस. डीप लर्निंग और दूसरी मशीन लर्निंग अप्रोचेस में फर्क समझने के लिए फर्स्ट वी नीड सम आइडिया ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डू. एक हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स करते क्या है. आई जस्ट स्टडीड मशीन लर्निंग डिस्कवर्स रूल्स, मशीन लर्निंग रूल निकालती टू एग्जीक्यूट अ डेटा प्रोसेसिंग टास्क. अब वो रूल निकालने के लिए क्या क्या चीजें होती है, इनपुट डाटा चाहिए होता है, इनपुट डाटा पॉइंट, ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर टास्क स्पीच रिकॉग्निशन का है, दीज डाटा पॉइंट्स कुड बी साउंड फाइल्स ऑफ पीपल स्पीकिंग. अगर हमने स्पीच रिकॉग्निशन करनी है, इफ द टास्क इज इमेज टैगिंग देन दिस कुड बी पिक्चर्स. उस इनपुट के साथ साथ हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बताना होता है, यानी आंसर्स भी देने होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ के आए. स्पीच रिकॉग्निशन टास्क में दिस कुड बी ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ साउंड फाइल. स्पीच रिकॉग्निशन के लिए ये ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट फाइल्स हो सकती हैं. ये अगर किसी की आवाज आ रही तो बंदे का नाम लिखा कि मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, डॉग की आवाज है, कैट की आवाज है, ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में होंगी उसके लेबल, ठीक है. ये स्पीच की फॉर्म में साउंड फाइल्स है और ये ट्रांसक्रिप्ट होंगे, रिटर्न होंगे. इन एन इमेज टास्क एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ भी टैग. इमेज के टास्क में हो सकता है कि ये आउटपुट जो है वो टैग लगा हुआ हो, डॉग और कैट ऑन सोन. तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अ वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब. कोई ऐसा तरीका हमें निकालना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता हमें चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. इस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में किया था, उसके अंदर हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया था, रूट मीन स्क्वायर यूज किया था, जो हमें बता रहा था कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअल से कितनी दूर आ रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कम आ रहा है. तो दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द एल्गोरिथम्स करंट आउटपुट. एल्गोरिथम का करंट आउटपुट क्या है एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, उनमें डिफरेंस कितना है. द मेजरमेंट इज यूज एज द फीडबैक सिग्नल. अब जो रिजल्ट आता है वो फीडबैक सिग्नल होता है एल्गोरिथम के लिए, रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया तो ये फीडबैक एल्गोरिथम को वापस जाता है कि भाई देयर इज अ बिग डिफरेंस, आप अपने आप को और ट्रेन करो टू एडजस्ट द वे एल्गोरिथम वर्क्स. एल्गोरिथम अपने काम को अपने तरीके को एडजस्ट करता है ताकि ये डिफरेंस कम हो सके, यानी अपने आप को रीट्रेन करता है. दिस एडजस्टमेंट स्टेप इज वॉट वी कॉल लर्निंग. यही वो लर्निंग है जो फीडबैक के ऊपर वो कर रहा होता है और उस वक्त तक करता रहता है, कोशिश करता रहता है जब तक के हमारे पास जो डिफरेंस है ओरिजिनल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट में वो कम से कम ना हो जाए. समझ में आती है बात, कोई सवाल इसमें? सर यानी हमें डिफरेंस जो है वो मिनिमम करना होता है ना. Exactly. सही सर. अच्छा जी, ठीक है, इसको अभी जा रहे जा रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को भी, ये डेटा ट्रांसफॉर्म वगैरह होता है. अब ये इस मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर चले मैं बताइए तो उसमें क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डाटा को. अच्छा, वो हो क्या रहा है, हम ये समझिए, हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई वो किस तरह, यानी मैं आपको यहां दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, किसी भी चीज की जो है ना, मेरे पास एक इमेज, एक इमेज है बेसिकली, ये क्या है, ये पिक्सल्स है, ठीक है, बेसिकली ये पिक्सल्स है, उनमें नंबर है, कलर्स के नंबर है, लाइक दिस, ये मुझे नजर आ रही है इमेज, ये इमेज नजर आ रही है, ये इस जो बॉक्स बने हुए हैं, दीज बॉक्स आर पिक्सल्स, और पिक्सल्स
के अगेंस्ट जो है वो क्या है हमारे पास नंबर्स लिखे हैं लाइक दिस, ये इमेज आप देख रहे हैं, हर एक सेल में जो कलर है उसकी कलर वैल्यू। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो है इस कलर वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, कलर वाले केस के अंदर जो है जब हम पिक्चर उसे दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो वो हमारी तरह नहीं देख रहा पिक्चर को, भाई ये डॉग नजर आ रहा है उसको, सिस्टम को क्या, सिस्टम को ये पता है कि ये नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं। अब वो डॉग की जो इमेज है ठीक है ना, उसकी जो शेप है, उसके जो एजेस बन रहे हैं वो उसको लर्न करता है, उन नंबर्स के दरमियान जो है ना स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स जो है ना वो लर्न करता है, जो बहुत ही मुश्किल काम लगता है ठीक है। और फिर हम बाद में देखेंगे कि नंबर भी इस तरह नहीं जाते कि आपने एक ब्लॉक बना के डाले, स्ट्रेट एक लीनियर एरे की फॉर्म में नंबर जा रहे हैं, वो हर दूसरे नंबर के दरमियान जो है ना वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप निकाल रहा है। तो मुझे ख्याल में तो ये बहुत ही टफ जॉब जो है नजर आती है, कैसे चलता है एल्गोरिथम कमाल है भाई ठीक है। लेकिन अब वो क्या करता है उन डेटा को, वो थोड़ा सा आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता है डायरेक्ट घुस जाता है, बल्कि कोशिश करता है कि मीनिंगफुली डेटा के अंदर डेटा के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाई जाए जिससे कुछ मीनिंग निकल सके ठीक है। अ प्रोसेस दैट लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर टू नॉन एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, क्या करता है ये कैसा प्रोसेस, एक्सपोजर जब उसे मिलता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान तो वो काम कर रहा होता है। अच्छा अब मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है, देखिए ये चीज यहाँ सब लोग एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ये कहता लेट्स मेक दिस कंक्रीट, कंसिडर एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड सम पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई सिस्टम, ये हमारे पास पॉइंट्स है। अच्छा अब कुछ पॉइंट ब्लैक है कुछ पॉइंट व्हाइट है, अब मुझे ये डेटा नजर आ रहा है बिल्कुल, आप मशीन लर्निंग की तरफ सोचिए, मशीन लर्निंग को रूल निकालना है, रूल क्या है कि इफ आई गिव यू अ पॉइंट, मैं अगर आपको एक पॉइंट दू और आपने पॉइंट यहां प्लेस करना हो, अब वो पॉइंट ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, ये ब्लैक और व्हाइट किसी वजह से है, वो वजह हमें मालूम नहीं है डेटा के अंदर कि यार वो रीजन क्या है, वो रूल क्या है जिसकी बिहाफ पे हम किसी पॉइंट को ब्लैक या व्हाइट कर रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम, हमारे सामने तो बस डेटा आ गया ठीक है। अब मशीन लर्निंग को भी नहीं मालूम होता कि क्या है मशीन लर्निंग, फिर इनके दरमियान जो है ना डेटा को मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म करता है अपने हिसाब से, हमें नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद उनके स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को लर्न करके मैथमेटिक्स लगा कुछ करके कुछ ना कुछ जेन्युइन किस्म का जो है ना वो पैटर्न निकाल के ले आता है हमारे पास। तो ये बता रहे हैं आपको इनपुट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं आपको, उसके आप प्लॉट करते जा रहे हैं। तो ये यही तीन चीजें जो यहाँ बात की, इनपुट डेटा पॉइंट, एग्जाम्पल्स और अ वे टू मेजर एल्गोरिथम, तीनों बातें यहाँ कर रहे हैं। इस केस में इनपुट्स क्या है, डेटा कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है उनका कि कलर कैसा होगा, और तीसरी बात क्या, अवे टू मेजर वेयर एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब और इट कुड बी फॉर इंस्टेंस द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स दैट आर बीइंग करेक्टली क्लासिफाइड, कितने पॉइंट्स जो है वो सही क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं व्हाट वी नीड हियर इज द न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा दैट क्लीनली सेपरेट्स द व्हाइट पॉइंट फ्रॉम द ब्लैक पॉइंट, न्यू रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर ट्रांसफॉर्मेशन वी कुड यूज अमंग मेनी अदर पॉसिबिलिटीज, देर कुड बी थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी ये है वी कुड कोऑर्डिनेट चेंज, हम इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दें लाइक दिस, ये रॉ डेटा था इसका कोऑर्डिनेट जो है हमने शिफ्ट कर दिया, ये जो ग्रे हो गया पुराने कोऑर्डिनेट से हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, जब कोऑर्डिनेट्स को, अच्छा ये हम कर रहे हैं ना अभी, ये बेसिकली मशीन भी जरूरी नहीं है कि इस तरह कर रही हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मशीन भी ऐसे ही कर रही हो, लेकिन और हम अभी इस वक्त अपने आप को मशीन समझ रहे हैं तो हम उस तरह कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट को क्या करा जी, शिफ्ट किया और उसको सीधा किया, तो अब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, बेटर रिप्रेजेंटेशन आ गई डेटा की, जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ कि क्या हो रहा है ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में coordinates of our points can be set to have a new representation of data and it's a good one, with this representation the black and white classification problem can be expressed as a simple rule, ab wo rule aapko samajh mein aa jayega yahan pe, wo kya hai, black points are such points that are in which x is less than 0, har wo point jiske andar
एक्स की वैल्यू सॉरी लेस देन ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो ब्लैक होगा। अब आप किसी भी पॉइंट पे नजर डाल लें कि इस रिप्रेजेंटेशन के साथ जितने वाइट आए हैं इस तरफ उन सब में एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है और ब्लैक के अंदर जो है वो ग्रेटर देन जीरो। अब ये रूल जब निकाल लिया, अब मैं जैसे ही आपको दूंगा कि एक पॉइंट रखना है प्लेन के ऊपर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे उसका एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है और उसको ब्लैक या वाइट क्लासिफाई कर देंगे। तो इस तरह जो है ना, ये एक छोटी सी एग्जांपल से जो है इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ये काम जो है वो हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर एंड यूजली क्रिएटिव इन फाइंडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो आमतौर पर इतने क्रिएटिव नहीं होते कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करें। दे आर मेयरली सर्चिंग थ्रू अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड हाइपोथेसिस स्पेस। एल्गोरिथम भी, एल्गोरिथम खुद क्या है, एल्गोरिथम खुद भी तो एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, ठीक है, और एक सर्टेन हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर जो है ना वो एक प्लेन के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है जिसके अंदर वो काम जो है वो ढूंढ रहा होता है। यस, एल्गोरिथम डिफाइन कर दे, एल्गोरिथम क्या चीज होती है? यस सर, देखो एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम यूं समझ लें जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है कोडिंग के अंदर, तो वो प्रोग्राम है और उसी प्रोग्राम को अगर आप वर्डिंग में लिख लें जो कोई भी पढ़ सके उसको आराम से, उसमें कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल ना हो, वो एल्गोरिथम है, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के, पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार एक एल्गोरिथम बना के दे रहा हूँ आपको कि ये क्या करेगा, अभी ये कोई ऐसा काम करेगा। एक सिंपल हम पाइथन की बात कर लेते हैं कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, कोई टेबल जनरेट करेगा। अब टेबल जनरेट करने के एल्गोरिथम क्या होगा भाई, एक पहला स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, एक फॉर लूप चलेगा, दूसरा स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दूसरा फॉर लूप चलेगा, तीसरा स्टेप ऑफ एल्गोरिथम क्या होगा भाई, जो पहले दूसरा लूप चला है उसको पहले लूप में आने वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाए। इस तरह ये स्टेप्स हैं कि मैं आपको लिख के दे दूंगा पेपर पर एल्गोरिथम, आप इसको कोडिंग में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो ये आपके पास क्या है, एक पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है, यानी वो yes, उसको क्या कहते हैं, सूडो कोडिंग कहते हैं, सूडो कोडिंग, कि बेसिकली वो कोडिंग भी नहीं होती और कोडिंग की तरह होती। सो दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज टेक्निकली सर्चिंग। अब यहां पर समरी कर दी उसने पूरी बात, मशीन लर्निंग क्या है टेक्निकली, सर्चिंग फॉर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इनपुट डेटा विद अ प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबल स्पेस में, यूजिंग गाइडेंस फ्रॉम फीडबैक सिग्नल, अगर गलत है तो फीडबैक सिग्नल को गाइड करें, अगर दोबारा लर्न करो। दिस सिंपल आइडिया अलाउज फॉर सॉल्विंग रिमार्केबली ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क। इस सिंपल आइडिया से जो है ना वो बहुत ज्यादा पैमाने पर जो है ना जो इंटेलेक्चुअल टास्क है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे जिसमें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, उस तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं, सॉल्व होते हैं, फ्रॉम स्पीच रिकॉग्निशन टू ऑटोनोमस कार ड्राइविंग, वो स्पीच रिकॉग्निशन भी हो सकता है और ऑटोनोमस ड्राइवरलेस कार्स भी हो सकती है। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय लर्निंग, लेट्स टेक अ लुक व्हाट मेक्स डीप लर्निंग स्पेशल। डीप लर्निंग सर, यस सर, ये जो प्री डिफाइन ऑपरेशन का बताया हुआ है इसका क्या मतलब है? जिस तरह हमने लास्ट क्लास में वो एक y is equal to mx plus c किया था, हम उसको कह सकते हैं? हाँ, वो एक, देखो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटीज जो है ना वो अगर अनलिमिटेड हो जाएंगी ना एल्गोरिथम के लिए तो एल्गोरिथम तो पागल हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज जो है ना, जैसे मैं कैट एंड डॉग को जो है ना क्लासीफाई करा रहा हूँ, ठीक है, वो मॉडल जो है वो कैट एंड डॉग इसकी प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये इन दो एनिमल्स को क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा,
अच्छा ये प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो 10 एनिमल भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर जो है ना वो आप दुनिया के सारे एनिमल्स के लिए बनाना शुरू कर दें, ठीक है, और इतना बढ़ा दें, तो फिर मॉडल के लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसमें जो है ना वो पढ़ेंगे भी आगे, और मैं आपको भी यहाँ भी हिंट देता हूँ कि हम मशीन लर्निंग से, या हमने इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा होगा कि मशीन लर्निंग के अंदर हम ये कोशिश नहीं करते कि बहुत बड़े बड़े टास्क इंटेलेक्चुअल सॉल्व करें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, या मशीन लर्निंग भी क्या काम करती है, कामयाब होती है कि वो छोटे छोटे वन वर्ड टास्क जो है ना वो करना शुरू कर दे। जिस तरह मैंने शायद कभी एग्जांपल दी हो कि वो ईमेल आती हैं, ईमेल क्लासिफाई हो जाती है, ये ईमेल स्पैम है, ये ईमेल जो है ना इधर की इस फोल्डर में जाएगी, ईमेल इस फोल्डर में जाएगी, ये ईमेल जो है ना वो सेल्स से रिलेटेड सेल्स वालों को फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन अब आप बोले नहीं, ईमेल आ भी जाए और उसका रेस्पॉन्स भी पूरा का पूरा टाइप हो जाए और बिल्कुल रेलिवेंट चला भी जाए, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर इस पॉसिबिलिटी स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत फाइनाइट से निकल के पता नहीं कहाँ जा रहा होता। सर यस सर, यहाँ पे हाइपोथेसिस स्पेस लिखा हुआ है, ये डिफाइन कर दो। अच्छा, ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल जो है ना वो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस स्पेस का। ये मैं इधर चंद लफ्जों में कवर अप नहीं कर सकता, बस यूं समझ ले कि हमारे पास जो है ना आसान जबान में समझा रहा हूँ इसको, बिल्कुल जो है ना वो मैथमेटिकल टर्म ना समझिएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो एक एरिया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे ना, इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो जो मेरा हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। जो भी मैं बात कह रहा हूँ, जो भी मैं थ्योरम पेश कर रहा हूँ, वो इस बाउंड्री के अंदर जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल सही वर्क करेगा। अगर इससे बाहर लेने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखें, ठीक है। और सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग जो है वो टेक्निकली सर्च करता है यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इनपुट डाटा, तो ये वही है जो कि हमने ऊपर कोऑर्डिनेट्स को जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस से क्लासिफाई किया था और रूल फाइंड आउट किया था, रूल फाइंड आउट किया था, ठीक है। हमने खुद भी तो पिछली क्लास में काम किया था ना, कि नंबर एक्स और वाई मैंने आपको दिया था, तो आप क्या कर रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन आपने उस रिप्रेजेंटेशन को ही, तो उस रिलेशनशिप को ही तो ढूंढने की कोशिश की थी इनपुट डेटा के अंदर। यस सर। अच्छा जी, तो डीप लर्निंग क्या चीज है? अभी तक तो हम बात करते रहे मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट की। डीप लर्निंग इज अ स्पेसिफिक सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, अ न्यू टेक ऑन लर्निंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डेटा दैट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। डीप लर्निंग क्या है? एक नया टेक है लर्निंग रिप्रेजेंटेशन में, एक नई तर्ज है, एक नई तरह है, ठीक है, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन में, जो किस चीज पे जोर करती है कि लर्निंग वाया सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी जैसे जैसे डेटा उन लेयर्स से गुजरता जाए और ज्यादा मीनिंगफुल होता जाए, ठीक है, यानी छलनी की तरह होता जाए, कि पहले आपने जो है ना एक मोटी छलनी लगाई हुई है, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, तो फिर क्या होगा, मोटी छलनी से कुछ बहुत गैर जरूरी चीजें भी आ जाएंगी, फिर उसके बाद वाली छलनी होगी वो और चीजों को फिल्टर कर लेगी, फिर उसके बाद वाली और छलनी, तो जैसे जैसे वो लेयर से पास होती जाएगी, छलनी से निकलती जाएगी, इन द एंड जो आउटपुट होगा वो बड़ा ही आपके पास रिफाइंड होगा, बहुत थोड़ा होगा लेकिन बहुत ही रिफाइंड होगा। तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले, तो वो सक्सेसिव लेयर्स जो है वो उससे जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन निकल आती है डीप लर्निंग के अंदर। सर लेयर से मुराद हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जैसे जैसे और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देख लो आप, ये जो हमें नजर आ रही है ना,
जब हमने इंट्रोडक्शन टू एआई का कोर्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये बातें की थी कि ये जो ये नजर आ रही ना, ये ग्रीन वाला नजर आ रहा है, यहाँ से डेटा जा रहा है आगे, अगली लेयर से गुजरा, कुछ रिप्रेजेंटेशन सीखी उसने, फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है ना वो बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जो रेलेवेंट नहीं थी टारगेट तक जाने के लिए, फिर यहाँ से निकला बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जो रेलेवेंट नहीं थी, यूजफुल नहीं थी रिप्रेजेंटेशन, और इन द एंड जो है ऐसी रिप्रेजेंटेशन सामने आई ब्लू कलर में जो कि मैच कर रही थी टारगेट से, यह हमारा आउटपुट था। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोग इससे यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये जो लेयर्स होती हैं ये बेस ऑन इनपुट पे होती हैं या ये खुद ऐड करता है? ये हम खुद ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में ये डिपेंड करता है कितना इनपुट है, लेकिन ये फिर आपके कंट्रोल में होती है कि आप कितनी लेयर्स जो है वो लगा सकते हैं। सर ये हर लेयर के ऊपर हमारे एल्गोरिथम्स लगते हैं, लाइक मल्टीपल एल्गोरिथम्स? यार मैं अभी अभी समझाऊंगा ना ये सारी बातें, अभी जो है ना अभी फौरन ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, तो जब लेयर्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो वहां ये बातें पढ़ेंगे, हर लेयर पे लगते हैं नहीं लगते हैं, अभी तो सिर्फ नाम आया अभी सारी लेयर का। अच्छा जी, द डीप इन डीप लर्निंग इज इन रेफरेंस टू एनी काइंड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो उसको डीप कहा जा रहा है, तो कहते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग, तो शायद कोई बहुत डीप में जाके पढ़ रहे हो तो उसका कह रहा है कि भाई डीप जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका मतलब, तो बहुत गहराई से आप सोच विचार करना शुरू करो, रादर इट स्टैंड्स फॉर द आइडिया ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डीप का मतलब ये है कि उसमें कितनी ज्यादा जो है वो सक्सेसिव लेयर्स लगे, जितना ज्यादा मॉडल में लेयर्स बढ़ती जाएंगी हमें कहते जाएंगे कि वो ज्यादा डीप है। अभी इसके अंदर तीन लेयर नजर आ रही है, तीन लेयर ये इससे ज्यादा डीप है, फिर चार लेयर नजर आ रही है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा डीप है, ये तो सोन जितनी लेयर्स जो है लेयर बढ़ती चले जाए, लेयर बढ़ती जाएंगी, लेयर बढ़ती जाएंगी तो हम लोग भी ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेयर्स बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा मॉडल कहता है कि वो डीप होता चला जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स टू कंट्रीब्यूट टू अ मॉडल ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द मॉडल, कितनी लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रही है, पांच लेयर हैं तो उसकी डेप्थ पांच है, दस लेयर है उसकी डेप्थ दस है, एंड सो ऑन। अदर एप्रोप्रिएट नेम फॉर द फील्ड कुड हैव बीन लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, अगर इसका नाम डीप लर्निंग नहीं होता तो शायद इसका नाम होता लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, और एक और हो सकता था हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। मॉडर्न डीप लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सौ से लेकर दस सौ से लेके जो है ना सौ तक जो है ना लेयर्स हो सकती है, एंड दे आर लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपोजर टू ट्रेनिंग डेटा, और वो सीखती कैसे है, जब उनको ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है वो उसमें से सीखती हैं, लर्न करती हैं, क्या लर्न करती हैं ऊपर हम डिस्कस करके आए, ऑल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स। मीनवाइल अदर अप्रोचेस टू मशीन लर्निंग टेंड टू फोकस ऑन लर्निंग ओनली वन और टू लेयर्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, जबकि दूसरी जो अप्रोचेस है वो एक दो लेयर्स तक जो है ना वो काम करती हैं, हेंस दे आर समटाइम्स कॉल्ड शैलो लर्निंग, इसी वजह से उनको बाज दफा जो है वो शैलो लर्निंग भी कहा जाता है, जो दूसरे एल्गोरिथम्स के भी हम नाम ले रहे थे, हैवी गूस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट और ये सारी चीजें। तो इन डीप लर्निंग दीज लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन आर ऑलमोस्ट यस यस। सर ये शैलो लर्निंग क्या हुई? शैलो लर्निंग जो है ना जिसके अंदर कम लेयर्स होंगी समझ लो, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में जो हम वो एपोक कर रहे थे वो नंबर ऑफ लेयर्स बता रहा था? नहीं, असल में मुझे आप मैं आप सब लोगों की बेचैनी को जो है वो समझ रहा हूँ, ठीक है, तो कि भाई वो अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, लेयर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई क्राइटेरिया होता है या हम इनिशियली प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की इतनी लेयर्स होंगी और इस लेवल पे रहेगा, ये मतलब जिसको जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाएगा मॉडल
वो अपनी लेयर्स को खुद इंक्रीज करेगा या हमें मैन्युअली उसमें फीड करना पड़ेगा कि जी अब अपनी लेयर को इंक्रीज करो? अच्छा, इसके अंदर जो है ये आपके हाथ में होता है लेयर्स को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। पहले आप एक मॉडल बनाते हैं, 5 लेयर्स के ऊपर आपका मॉडल सही परफॉर्म नहीं करता, तो नाउ यू हैव 2 choices। नाउ यू हैव 2 choices कि अब आप मॉडल सही का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, 5 लेयर लगाई थी, बढ़ाऊं या कम करूं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बढ़ाने से अगर रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन, और बढ़ाने से अगर खराब हो रहा है तो अगर फिर आप कम करेंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल पे चलेगा। इनपुट दे सकते हैं या फिर लेयर्स के बीच में भी जो है वो इनपुट दे सकते हैं इनके नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते वक्त? अभी अभी आप सिर्फ स्टार्ट में इनपुट देंगे, ठीक है सर? यस सर, बढ़ाने से ओवरफिटिंग का मसला तो नहीं होगा लेयर्स को? अबे मेरे दोस्त, अभी ये टॉपिक नहीं आए, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग यार? अभी चलने तो दो, लेयर्स आने दो, मॉडल बनाएंगे सही, तो फिर ओवरफिटिंग, बीच में इनपुट, आखिर में इनपुट, सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है? अभी आ जाएंगी। अभी यहाँ मैं ओवरफिटिंग क्या बताऊँ, बताओ मुझे। सर यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट ना बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक कर रहे हैं ना उनको समझ नहीं आएगा। हाँ, ये मैं, मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो टॉपिक के रिलेटेड हार्ड के क्वेश्चन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको अवॉइड कर लूँ, क्योंकि बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं इन द फील्ड। वो कहते हैं यार ये दुनिया में सबको सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता लग रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने पहले पढ़ लिया है तो इस वजह से पूछ रहे हैं, आपने बाद में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट ना हो। खैर, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इन डीप लर्निंग दीज लेयर रिप्रेजेंटेशन लर्न वाया मॉडल्स कॉल न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग में जो ये लेयर रिप्रेजेंटेशन हैं, जो लर्न करती हैं मॉडल से, मॉडल से लर्न करती हैं, उस मॉडल को न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है? डीप लर्निंग का दूसरा नाम न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क का दूसरा नाम डीप लर्निंग है। स्ट्रक्चर्ड इन लिटरल लेयर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और वाकई फॉर्म एक दूसरे के ऊपर जो है लेयर जो है वो लगी होती है। द टर्म न्यूरल नेटवर्क इज, किसकी आवाज है यार? द टर्म न्यूरल नेटवर्क इज अ रेफरेंस टू न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरल नेटवर्क एक रेफरेंस है न्यूरोबायोलॉजी से। बट ऑल्सो सम ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स इन डीप लर्निंग वर डेवलप्ड इन पार्ट बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन। डीप लर्निंग मॉडल्स आर नॉट मॉडल्स ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल भी मॉडल नहीं है ब्रेन के। देयर इज नो एविडेंस दैट द ब्रेन इंप्लीमेंट्स एनीथिंग लाइक लर्निंग मशीन मैकेनिज्म यूज्ड इन मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल। कोई इस बात का कोई सबूत नहीं है, डीप हमारा दिमाग भी जो है ना वो ऐसे ही पैटर्न शैटर्न लर्न करता है, कोई एविडेंस नहीं। ये सिर्फ नाम रखे हैं उससे इंस्पायर्ड होके बात, ठीक है? ये कहता भी ये आप बहुत सारे पॉप साइंस आर्टिकल्स जो है ना वो आपको मिलेंगे जो क्लेम कर रहे होंगे कि द ब्रेन और वाज मॉडल्ड आफ्टर द ब्रेन, कि हमारा जो मॉडल डीप लर्निंग मॉडल है वो बिल्कुल ब्रेन की तरह जो है ना बनाया गया। बट इज इन दैट केस ऐसा नहीं है। इट वुड बी कंफ्यूजिंग एंड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द न्यू कमर्स टू द फील्ड टू थिंक द डीप लर्निंग एज बीइंग इन एनी वे रिलेटेड टू न्यूरोबायोलॉजी। ये कंफ्यूज कर देगा बच्चों को कि वो डीप लर्निंग मॉडल्स को न्यूरोबायोलॉजी समझना शुरू कर दें। You don't need to shroud of just like our minds. अभी भी इस बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे कि कोई कह रहा हो कि भाई न्यूरल नेटवर्क जो है ना जस्ट लाइक अवर माइंड वर्क करता है। नो, दिस सेकंड मिस्ट्री एंड यू मे एज वेल फॉरगेट एनीथिंग यू मे हैव रीड अबाउट हाइपोथेटिकल लिंक बिटवीन डीप लर्निंग एंड बायोलॉजी। फॉर अवर पर्पज डीप लर्निंग इज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। डीप लर्निंग इज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग रिलेशन फ्रॉम डेटा। ये बात है मैथमेटिकल, ठीक है जी? सैयद अशर पूछे। सर हमने मशीन लर्निंग में पढ़ा कि हम लोग एक सेट ऑफ डाटा देते हैं और उसके साथ उसके आंसर्स भी देते हैं और मशीन जो है वो उससे सीखती है और उसको जो है उसको उस तरह से ट्रेन करते हैं हम लोग। क्या न्यूरल नेटवर्क में हर लेयर पे यही काम हो रहा होता है? दोबारा पूछें सवाल। सर
दोबारा पूछिए सर। सवाल ये कि जब हमने मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे तो मशीन लर्निंग में हमने ये पढ़ा था कि हम उसे एक कंप्लीट सेट ऑफ डाटा देते हैं विद आंसर्स और उसके जरिए हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। न्यूरल नेटवर्क में सारे बहुत सारी लेयर्स हैं तो क्या हर लेयर में ये एक्टिविटी हो रही होती है इंडिपेंडेंटली? नहीं, हर लेयर में नहीं होती है ना, यही मसला है ना। मैं इसीलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि अभी आगे नहीं चलो, अभी लेयर्स को आपने समझा नहीं है, तो अभी आप अपने जो है ना वो माइंड इस्तेमाल करके जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन जो है ना वो मैच नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाएं। तो जरा इसकी वर्किंग बस आ गई है नीचे ये यहाँ पर, ठीक है, तो आपको मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा ये बात। अच्छा, होता क्या है, व्हाट डू रिप्रेजेंटेशंस लर्न बाय डीप लर्निंग एल्गोरिथम लुक लाइक? लेट्स एग्जामिन हाउ नेटवर्क सेवरल लेयर्स डीप ट्रांसफॉर्म एन इमेज ऑफ अ डिजिट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज व्हाट डिजिट इज। अब इसे मैंने यहाँ पर एक इमेज दे दी है डिजिट की, व्हाइट ब्लैक पे व्हाइट इमेज है, ये लेयर्स में से जा रही है, फर्स्ट लेयर्स में से गई, इसके अंदर से कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी, लेयर्स उनको फिल्टर कर देगी, सिर्फ काम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आगे जाएंगी। अच्छा, वो काम की क्या होंगी और कौन सी ड्रॉप होंगी, दिस इज नॉट कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं है, मॉडल अपने बिहाफ पे जो है वो कर रहा है। फिर आगे लेयर में जाएंगे, क्या छोड़ा क्या ड्रॉप किया ये उसकी अपनी मर्जी, फिर आगे लेयर में क्या छोड़ा क्या ड्रॉप किया, इसका बेटर जो फिगर है वो ये है, ठीक है ना, कि लेयर वन में जब ये इनपुट गया तो उसने कुछ चीजें वहां से सीखी, कुछ पॉइंट्स मार्क किए, अब वो ये पॉइंट क्यों मार्क कर रहा है, कैसे मार्क कर रहा है, ये अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे गया आगे गया आगे गया, आखिरी लेयर पहुंच के उसने जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये फोर है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो पहले ही अच्छी शक्ल थी, इससे क्या सीखा होगा उसने, तो मैं आपको फिर बता दूं कि हम इस तस्वीर को एज अ ह्यूमन देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि तो फोर है, लेकिन सिस्टम को ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है कि ये फोर क्या होता है। सिस्टम को तो ये तस्वीर जो है वो नंबर्स के सेट ऑफ नंबर्स की शक्ल में जा रही है, उसमें से वो लर्न कर रहा है, और लर्न करते करते जो है ना वो एक जगह पे पहुंच गया है और उसको उसने मैप कर दिया है कि ये डाटा, मैंने ही उसे बताया होगा ना ट्रेनिंग के दौरान कि इमेज आ रही है तो ये जो है ये फोर की इमेज है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने बताया होगा। तो उस वो पहुंचते पहुंचते उसके एजेस वेजेस जो कुछ निकाल निकोल के जो है वो पहुंचा, उसने कहा अच्छा ठीक है ये पैटर्न मैंने सीखा है और ये पैटर्न मेरे को मेरे प्रोग्रामर ने मेरे मशीन लर्निंग इंजीनियर ने मैप कराया है, आंसर बताया इसका कि फोर है। अच्छा ठीक है समझ गया, अब आइंदा अगर ये पैटर्न आएगा तो इसका मतलब ये फोर होगा। तो ये बिल्कुल भी जिस तरह हम देख रहे हैं इन डॉट्स को और इन ब्लॉक्स को, सिस्टम के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो हमें तो सुपर शुरू में नजर आ रहा है फोर है यार, यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरी लेयर में ये फोर है, तो भाई हमें नहीं समझना, ये सिस्टम को समझना, ठीक है। तो सिस्टम इसको देख रहा है। यस सर, इसका मतलब है सिस्टम ने लर्न करके बता दिया कि ये जो नंबर है वो बेसिकली इस लिस्ट में यहाँ पे मौजूद है सर, ऐसा ही है मतलब ये चीज इस लिस्ट में यहाँ पे नहीं, इस लिस्ट में यहाँ पे नहीं है, इसको यूं समझ लिया, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस में काम होता है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है ना एक बैग भर के आता है लेटर्स का और डाक का, और पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन उसमें से एक लेटर निकालता है, उसको एड्रेस पढ़ता है और सामने बनने हुए उसके जो रिजेक्शन में आने वाले तमाम एरिया का एक एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर वो लेटर पढ़ के उस बॉक्स में रख देता है। ये जो है ना लेटर, ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये फैसलाबाद का है, ये इस्लामाबाद का है, ये मुल्तान का है, ठीक है। आरी वसंत जी सर, तो ये इस कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि मैप कर रहा है, उसके बाद जो डेटा आ रहा है वो उसको क्या कर रहा है, उससे मैप कर रहा है। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा है, अब जैसे अभी ये दोनों चीजें मैंने इसको बताई होंगी, मैंने ये तस्वीर भी दी होगी, ठीक है, और मैंने इसको ये भी बताया होगा ये फोर है ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनपुट भी और आउटपुट भी। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ये फोर है, अब उसने ये फोर होता कैसा है, उसने पहले लेयर में लर्निंग करी, इस अच्छा फोर है, इसके अंदर ये चीजें,
दूसरी लेयर में लर्निंग करी, अच्छा 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 ये चीजें, अच्छा अच्छा ये चीजें हमने, क्योंकि चार लेयर लगाई, तीन लेयर लगाई थी हमने, लगाई थी तीन लेयर, सुनिएगा मेरी बात गौर, हमने तीन लेयर लगाई थी, तो उसने तीन लेयर में से गुजारने के बाद फोर को अच्छी तरह जो है ना वो ठोक बजा के चेक कर लिया। सही। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा देख पढ़ लिया, उसने कहा हाँ पढ़ लिया, मैंने कहा ये फोर है, मैं बता रहा हूँ ये फोर है, ओके। इस तरह वो हर एक डिजिट के ऊपर लर्निंग करने के बाद मेरे बताए हुए मैप के ऊपर अमल कर रहा है, और जब उसकी लर्निंग हो गई, आइंदा जब डेटा आएगा तो अब मैं उसे नहीं बताऊंगा, आइंदा अच्छा। जब डेटा आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है, अब उसने जो अच्छा। लर्निंग सीखी होगी उससे वो ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा कि ये लेटर कौन से बॉक्स में डालना है, ओके फोर में डालना है, वन में डालना है, थ्री में डालना है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। सही सर। वो सीख चुका है, अब इसको कौन से डब्बे में डालना है, ठीक है जी। तो सो दैट्स व्हाट डी ये जी बोले सर, ये जो आपने लेयर्स भी पढ़ाई है, ये जो लेयर्स है ये लाइक है ईपॉक्स होंगी? नहीं नहीं नहीं, ये ईपॉक्स नहीं है, ईपॉक्स का ताल्लुक जो है वो डेटा की फीडिंग से है, ठीक है। ये जो फोर है, मैंने इसको एक बार फोर दिया, और जब ये यहां से गुजरा और यहां मैं हाथ में उसको बताने के लिए खड़ा हूं कि ये फोर है, ये यहां से लेके यहां तक जब फोर गया ये एक ही पॉक है। अब मैं ये फोर इसको 10 बार फीड करूं और 10 बार सिखाने के लिए बात करूं, तो इसका मतलब कितने ई पॉक चलाए मैंने, 10 आइट्रेशन चलाई है इस फोर की, ठीक है। 10 बार ये डेटा इन लेयर से गुजरा है, इसका मतलब है इतने 10 ईपॉक्स चले, ठीक है सर। सर इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जो है हम उसको इनपुट भी देंगे आउटपुट भी देंगे ताकि उस तरह वो लर्निंग कर ले, ट्रेनिंग कर ले, और उसके बाद तो जब भी होगा ये, हम ये वाली आपकी बात तो हम बचपन से कह रहे हैं कि हम इसको डेटा भी देंगे और आंसर भी देंगे। वो क्या सीखेगा वो उस रिप्रेजेंटेशन को सीखेगा जिसको हम कह रहे हैं कि रूल सीखेगा। आइंदा जब उसने रूल सीख लिया, अब मैं उसे बता कोई नंबर दूंगा तो वो खुद ही जो है ना उस रूल को अप्लाई करके और उसको मैप कर देगा कि ये इससे बिलोंग करता है। सर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ ये जरा समझाने के लिए। जी जी जी। ये बिल्कुल इसी तरह क्या जैसे एक टीचर जो है बच्चों की क्लास में रस्सी जो होती है उसका एक कोना पकड़ा देती है एक बच्चे को और दूसरे को कहती है अपने दोस्त के को पकड़ाते जाओ और साथ साथ जिसको कैट पसंद है वो कैट बोलता जाए और जिसको चिड़िया पसंद है वो चिड़िया बोलता जाए, वो रस्सी आगे मूव करती जाती है और फिर वो जो रिंग बन जाता है जैसे भी वो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो इस तरह वो बन जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अपनी पसंद के बच्चों को वो जो है वो रस्सी का एक कोना पकड़ाता जाएगा और साथ साथ बोलता जाएगा कि मुझे ये चीज पसंद है और वो चीज पसंद है और वो जो जाल बनेगा वो जाल ही जो है वो ये डीप लर्निंग कहलाएगी। चले चले मेरी बात, जाल को तो डीप लर्निंग नहीं कहेंगे लेकिन नहीं मेरी बात कॉन्सेप्ट वैसे आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है, हाँ लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही है, ठीक है ना। लर्निंग का कॉन्सेप्ट वैसा ही, मैं इसको और आसान जबान में समझाऊं ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जब आप उसे पहली बार सवाल सॉल्व कराते हैं तो उसको कम समझ में आता, फिर दूसरी बार आप सवाल सॉल्व कराते हैं उसे थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार और कोई टाइप के सवाल कराते हैं, चौथी बार और टाइप के सवाल कराते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसे सवाल दे दें तो वो खुद ही सॉल्व करने लगता है, क्योंकि वो सारे रूल जो आपने पढ़ाए हैं मुख्तलिफ सवालों में वो सीख चुका है। अब सवाल जब नया आया है तो उनके ऊपर वो सारे रूल इम्प्लीमेंट करके आंसर निकाल लेता है, सिंपल बिल्कुल इसी तरह। थैंक यू सर। अच्छा अब ये जो ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन थ्री फिगर्स, ये बड़ा ये आपकी जो है ना बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग के इंजन को समझने के लिए ना। तो एट दिस पॉइंट यू नो दैट द मशीन लर्निंग इज अबाउट मैपिंग इनपुट्स। अभी मैंने आपको ये बात समझाई कि मशीन लर्निंग क्या करती है, इनपुट्स को मैप कर रही होती टू द टारगेट्स, यानी आउटपुट पे मैप कर रही होती, जिस पर मैंने बताया अभी कि एड्रेस लेके बॉक्स में डालेगा, सच एज लेबल्स कैट which is done by observing many examples of input and outputs. और ऐसा कब करता है, जब उसके सामने बहुत सारी examples जो है वो आप इस तरह की रख दें कि ये input है ये output है ये input है output है, तो वो ये सीख जाता है कि अब क्या करना है। You also note that the deep neural network do this input to target mapping via deep sequence of simple data transformation layers. Deep learning में ये mapping वो सीखता है किससे,
सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लेयर्स की मदद से, एंड दीज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सेंस आर लर्न बाय एक्सपोजर टू एग्जाम्पल्स। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब वो एग्जाम्पल्स को एक्सपोज किया जाता है उसके सामने। नाउ लेट्स लुक हाउ दिस लर्निंग हैपेंस करेक्टली। अब ये करेक्टली हम देखते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। अच्छा, द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट लेयर डज टू इट्स इनपुट डेटा इज स्टोर्ड इन द लेयर्स। जो कुछ लेयर ने किया है इनपुट डेटा के साथ, व्हाट लेयर डज टू इनपुट डेटा इज स्टोर्ड इन लेयर, वो भी किसके अंदर से होता है, वो भी लेयर के अंदर, लेयर्स वेट के अंदर सेट होता। जो भी चेंजेस की हैं, ठीक है, वो कहां सेव होती हैं, लेयर्स के वेट्स के अंदर सेव होती हैं। हमने पिछली एग्जांपल में किया था डब्ल्यू और बी, विच इन एसेंस अ बंच ऑफ नंबर्स, जो खुद भी क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स यू वुड से दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड बाय लेयर इज पैरामीटराइज्ड बाय इट्स वेट। कि ट्रांसफॉर्मेशन जो लेयर ने इम्प्लीमेंट की है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो पैरामीटराइज है उनके वेट पर। वेट्स आर समटाइम आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द लेयर। वेट्स जो है वो पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में दिया था कि पैरामीटर्स क्या चीज है, इनपुट और आउटपुट ये कॉन्स्टेंट रहता है हमारे पूरे प्रोसेस के दरमियान, पूरी प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। इनपुट भी वही रहता है, तस्वीरें भी वही रहती हैं, उनके लेबल भी वही रहते हैं, एक्स भी वही रहता है, वाई भी वही रहता है। सिर्फ चेंज जो चीज हो रही होती है वो दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी वेट और बायस। वेट यानी डब्ल्यू और बी जो हमने देखे थे। अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट लर्निंग मीन्स फाइंडिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर वेट्स। देखो वही बात कर ली जो हमने की थी वहां पर, प्रैक्टिकली की थी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो सेट ऑफ वेट मालूम कर रहे हैं, सेट ऑफ डब्ल्यू और बी मालूम कर रहे हैं ऑफ ऑल द लेयर्स इन द नेटवर्क, सच दैट द नेटवर्क विल करेक्टली मैप एग्जांपल इनपुट्स टू एसोसिएटेड टारगेट, जिससे हमारा एक्स जो है वो सही मैप हो जाए वाई के साथ। याद आया आप लोगों को, इसमें कुछ कमेंट्स करें। जी सर, ठीक है। बट हियर्स द थिंग, अ डीप न्यूरल नेटवर्क कैन कंटेन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। हमारे पास तो दो ही थे हमारी एग्जांपल में, लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है ना वो दसियों से लेके मिलियंस ऑफ वेट्स हो सकते हैं और होते हैं। फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू फॉर ऑल ऑफ देम, हर एक की करेक्ट वैल्यू निकालना, हमसे दो नहीं निकलनी थी, ठीक है। देम मे सीम्स लाइक अ डॉन्टिंग टास्क, स्पेशली गिवन दैट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर, खास तौर पे जब मैं एक पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई करूं, विल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑल अदर्स। स्पेशली उस केस में कि जब मैं एक डब्ल्यू को यहाँ चेंज करता हूँ, टू से थ्री करता हूँ, तो आगे जो 10, 15, 20 हजार या लाख पैरामीटर है वो सारे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर, आपने बताया था प्रीवियस क्लास में। जी हाँ बिल्कुल, ये बात वही हो रही है। तो पैरामीटर्स की टर्म आपको समझ में आ गई कि वो डब्ल्यू और जो बी है जो हम एडजस्ट कर रहे थे वो ही हमारे वेट्स या पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब इस फिगर को देखें होता क्या है। फाइंडिंग द राइट वैल्यू फॉर दीज वेट्स, हमारे पास इनपुट से इनपुट डाटा आता है, वो लेयर में जाता है। लेयर में जाते ही लेयर अपने पास से हमारा एल्गोरिथम जो है वो वेट जनरेट करता है जो लेयर के पास चले जाते हैं। फिर जो भी आउटपुट निकलता है, यानी डब्ल्यू और बी यहां से शामिल हुए, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, वैल्यू चेंज हो गई। चेंज होने के बाद अब अगली लेयर में गई, अगली लेयर में जाने के बाद उसमें नए वेट्स और बायस जो शामिल हो गए, और इस तरह चलते चलते आखिर में जो है वो आउटपुट जो है वो निकल आता है। तो मैं इसको यहां समझाता हूं। लाइक आप देखें, ये देख लो फिगर, ठीक है। मुझे जहन में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं आ रही जहां मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो, इट वुड बी लाइक ड्रोन को जब नहीं नहीं आप, जब आप इमेज पे काम करेंगे ना, जब आप टेक्स्ट पे काम करेंगे, जब आप पूरा पैराग्राफ एज इनपुट दे देंगे, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि देयर आर मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। और
और अभी नजर आ जाएगा, अभी थोड़ी देर की बात है इंशाल्लाह, आज 12:30 हो जाएगा, आज ही होगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास क्या है, हमने एक ये हमें देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इनपुट लेयर से इनपुट आया, समझिएगा इस चीज को, इनपुट लेयर से इनपुट आया, अगली लेयर में जाने से पहले क्या हो रहा है, एक वेट W मिलता रहा है, जिसका हमारा स्लोप मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया आउटपुट बन गया, ठीक है। फिर यहां से निकल अगली लेयर में जा रहा है, तो अगली लेयर में जाने से पहले एक W जो है वो जनरेट हुआ, जो मल्टीप्लाई हो गया, इसके नई वैल्यू बन गई। फिर अगली लेयर में जाने से पहले एक W जो है वो लगा, और जो है ना वो इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो दिस वुड बी सर, यस, यहाँ पर जो W है वो जो चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं पर लेयर उनको डिफाइन कर रहा है। जी हाँ जी, अब चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो ही किस वजह से रहे हैं, ताकि W जो है नई नई वैल्यूज W डाल रहा है, और वो X की वैल्यू जो इनपुट जो है वो चेंज होता जा रहा है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये हमारे पास एक लेयर है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इक्वेशन होती है, तो मैं डब्ल्यू एक्स प्लस बी कहता हूं, ठीक है। अच्छा, हम यहां से इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं जी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वन में वैल्यू टू है, इसमें वैल्यू वन है, इसमें वैल्यू थ्री है, इसमें वैल्यू एट है, इसमें वैल्यू सिक्स है, सेवन है, ठीक है। ये इनपुट जो है वो जा रहा है इसके पास, ठीक है। अभी एक इनपुट की बात करते हैं, जब ये इनपुट इसके अंदर आया, ये भी हमारे पास इनपुट की एक लेयर ही होती है, ठीक है ना, ये भी एक लेयर है, इसको मैं यूं शो कर रहा हूं ताकि इनपुट लगे। इसमें जब जा रहा है तो ये इनपुट बेसिकली हम आउट यहां पर देख रहे हैं कि किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डब्ल्यू से। तो एक डब्ल्यू यहां पर फॉर एग्जाम्पल जनरेट हुआ, मैं कह रहा हूं यार वो डब्ल्यू जो है ना वो फाइव है, ये रैंडम लेयर खुद ही जनरेट कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, फाइव है। तो यहां पर हमारे पास इस आउटपुट के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, इस आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो अब वैल्यू जनरेट हो गई, वो वैल्यू कितनी हो गई भी कोई बताएगा, वो वैल्यू हो गई हमारे पास 10, ऐसे ही जी जी 5 to the 10 हो गई। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, पहले क्या थी वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू टू थी, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गई, यहां पे कितनी हो गई 10 हो गई। अच्छा, ये मैंने तो खुद 5 ले लिया है, या इनपुट 2 था, कुछ भी हो सकता है, जो अब जितने लेयर पे डिपेंड है। अब क्या होगा, ये 10 जो है, ये 10 जो है यहां से निकलेगा, अगली लेयर पे जा रहा है, ठीक है। अगली लेयर पे जाने से पहले इसको यहां पर फिर क्या मिल गया, एक हमारे पास W मिल गया, कितने हो गए भाई अभी आपके पास 20 हो गए, ठीक है। फिर ये अगली लेयर पे जा रहा है, इसको यहां पर एक W मिल गया, फॉर एग्जाम्पल वो W था -2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना -40 हो गया, सो ऑन। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये W है, ये B कहां आएगा, ये बी जो है वो कहाँ आएगा, लास्ट पे नहीं आएगा ये बी, क्योंकि ये सुने पहले मेरी बात सुने, ये जो है ये अभी एक्स वन से इनपुट इस नोड पे पहुंचा है, ये सारे इनपुट इस एक नोड से कनेक्ट होना लाजमी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे इनपुट कनेक्ट,
कि सारे इनपुट कनेक्ट होंगे तो जितनी डब्ल्यू एक्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सारे का समेशन हो जाएगा, सारे डब्ल्यू जो जनरेट हुए लेयर पे 2, 1, 4, 6 ये अपने 5 to the 10 कितने हो जाएगा भाई यहां पर, अब पहले वाले पे हो गए 10, दूसरे वाले पे कितने हो गए, दूसरे वाले पे हो गया 2 under 2 और बताएं 2 under 2 3 under 3 ठीक है, और 8 4 32 6 7 42 और अगला क्या है 48 और उसके बाद अगला क्या है अभी 42 तो ये सारे समअप हो गए, समअप होने के बाद एक नंबर निकल आएगा 48, 50, 50, 90, 90 और 95, 96, 98 और 30, 108, 118 ये हो गया 118 हो गया, 118 हो गया ठीक है। अब आखिर में इस जगह पे जो वैल्यू खाली 10 नहीं आई, बेसिकली इस जगह पे वैल्यू कितनी आ गई 118, मैं यहां लिखता हूं 118 प्लस इसके अंदर सब जब सारे इनपुट जब यहां जमा होंगे आखिर में एक बायस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो 2 हो गई, तो इन द एंड मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो वैल्यू जनरेट हुई वो 120 है। बात समझ में आई सबको, सारे इनपुट एक नोड पे कन्वर्ज हुए और जो भी लेयर ने वेट जनरेट किया था उस पर जाके क्या हुए, सब मल्टीप्लाई हुए डब्ल्यू के साथ, सारे एक्स मल्टीप्लाई हुए और जब सब जमा हो गए तो आखिर में एक बायस जो है वो उसके अंदर एड हो गया। अब मुझे ये बताएं कि भाई ये एक नोड है ना, अभी ये दूसरी नोड बाकी है, तो अब ये जो पहला वाला इनपुट, अब ये चीज पूछे सर, ये 2 जो आपने ऐड किया 118 में, ये 2 क्या है, ये 2 ये बायस है, ये मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूं, अभी तो मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं ना, सारे डब्ल्यू एक्स आ गए और बायस हो गया। अब इस फिगर को देखें जो मैंने यहां निकाली आपके लिए, क्या कह रही है ये भी तो यही कह रही है, सारे डब्ल्यू और एक्स जमा हो जाए, सारे डब्ल्यू एक्स जमा हो जाए, सारे डब्ल्यू एक्स जमा हो जाए, आखिर में जो है वो बायस जो है इस पे लग जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे इनपुट पहले इस एक नोड पे पहुंचे हैं, अब यही सारे इनपुट जो है वो अब इस नोड पे पहुंचेंगे, यही सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा ठीक है। इस नोड पे पहुंचते हुए नए वेट और नया बायस जो है वो, सॉरी ये यहां से निकला और ये इधर पहुंचा, समझ रहे बात, वैल्यू कहां से आई है बेटा, ये मैं सब रैंडम ले रहा हूं ना, 48 कहां पर आया, ये जी ये यहां से आया था कि 8 जो है वो अपने 6 डब्ल्यू के साथ मिलता हुआ था तो 48 एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 7 वाली लाइन है जिसके 6 है, ये 8 4s are 32 है और 7 4s are 28। चलो ठीक है ठीक है, वो तो मैं रैंडम ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रही नहीं बात। तो अब इस तरह जो है वो हर नोड के पास ये इनपुट पहुंचेंगे, जिस तरह हम एक मुख्तलिफ फिगर में देख रहे हैं, ये भाई ये यहाँ से पहले इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया और तीनों के पास चला गया, फिर ये वाला भी इसके पास गया, इसके पास गया और इसके पास गया, फिर ये वाला भी इसके पास गया, इसके पास गया, तो इसके पास ये तीन वैल्यू पहुंची है, ये के पास ये तीन एरो नजर आ रहे हैं, ये तीनों डब्ल्यू एक्स होंगे और इसके बाद एक बी इसमें ऐड हो जाएगा, इसके पास भी ये तीनों पहुंचे हैं, इसके बाद तीन एरो नजर आ रहे हैं, फिर इसके पास भी ये तीनों पहुंचे हैं, तीन एरो नजर आ रहे हैं, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहेगा। कोई सवाल इसमें सर, इसका मतलब है ये जो एक न्यूरॉन कह लें आप, जो जिसमें वर्ड आपने लिखा हुआ है, ये हर ये कितनी वैल्यूज जनरेट करेगा, ये ईच टाइम हमारी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूरॉन आपने कितने लगाए हैं, अभी मैंने यहाँ 5 बनाए, आप 7-8 बना लेते, 10 बना लेते, हर न्यूरॉन एक वैल्यू जनरेट करेगा,
हर न्यूरॉन पे कितने इनपुट पहुंच रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि पीछे से अगर 50 इनपुट आ रहे हैं तो 50 वैल्यूज का सम पर एक बायस होगा। सर ई के आउटपुट वैल्यू तो एक बार होगी ना, एक वक्त में एक बोले आवाज समझ नहीं आएगी। सर आउटपुट तो वन होगी ना जस्ट एक न्यूरॉन की? हाँ, यहाँ से निकलेगी एक वैल्यू आगे जाने के लिए। सर बायस जो है वो लेयर्स कंट्रोल करती है, हम खुद देते हैं? नहीं, वेट और बायस ये जब आप खुद मॉडलिंग कर रहे थे पीछे वाली हमने एक्सेल शीट पे किया था तो ये दो वैल्यूज थी जो आप एज अ मॉडल खुद डाल रहे थे, तो यहाँ पर भी जब मॉडल मशीन होगा तो वो खुद ही निकाल रहा होगा। सर इसमें बी समझा दें। क्या समझाऊं? सर बी वैल्यू, बी वैल्यू क्या होती है ये समझा दूं, बायस क्या होता है? जी सर। अच्छा, किसी को मालूम है बायस क्या होता है? आप लोगों में से किसी को मालूम है? सी जो सिंपल हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली थी उसके अगर एग्जांपल ले लें। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा था कि बायस एरर होता है। बायस एरर होता है। और सर प्रीवियस क्लास में तो बी वाई इंटरसेप्ट था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बायस कहते हैं सर तासुब को या लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ा? हाँ, बायस बायस कहते हैं झुकाव को, कि ये इसका झुकाव इसकी तरफ है। तो क्लास में होता है ना भाई, जैसे ये हमारा असल में बायस जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, बायस अभी हम डीप लर्निंग के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको समझेंगे और अपने मॉडल जिस तरह ह्यूमन बायस हो जाता है ना, ह्यूमन बायस कैसे होता है, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, समझिए मेरी बात गौर से, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायस का, ये आपको इस तरह कहीं भी नहीं समझाएगा कोई। मैंने तो देखा बहुत सटोला, मैंने फिर मैंने खुद ही अपनी इंट्यूशन डेवलप करी और मॉडल की बायसनेस को समझने की कोशिश की तो फिट हो गया कि हाँ सही कह रहा हूँ। अब सीन क्या है, बायस क्या चीज है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में पढ़ाते हुए जो है ना कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाले भी हैं, कुछ असिस्टेंट स्टूडेंट जो है वो सही नहीं पढ़ते, शरारते करने वाले। अच्छा, अब जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है और मैं कॉपियां चेक करने बैठता हूँ और किसी बच्चे की कॉपी मेरे सामने आती है तो मेरे अंदर एक फील डेवलप होती है, वो फील क्या होगी आपके ख्याल में? अगर मैं बहुत ज्यादा बायस हूँ तो कुछ और ही होगी, लेकिन अभी ये फील ऐसी होगी ये अच्छा बच्चा है या ये कॉपी आई है ये गंदे बच्चे की कॉपी है, ये कॉपी अच्छी बच्चे की कॉपी है, अच्छा ये फील आई है। अच्छा, अगर मैं बहुत ज्यादा बायस हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि ये तो फेल हुआ ही हुआ, ये तो पास हो ही नहीं सकता, या अगर मैं और ज्यादा बायस हूँ तो मैं एक अच्छे बच्चे की कॉपी आएगी मैं कहूंगा यार ये तो पास हो जाएगा, ये तो अच्छे नंबर लेगा। अच्छा, मैंने अभी कॉपी खोल के नहीं देखी है, क्या कह रहा हूँ, कॉपी खोल के नहीं देखी है, ये इंट्यूशन जो है डेवलप हो गया। इसको बायसनेस क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो भाई जो पेपर दिया गया है वो पूरी क्लास के लिए कॉमन है, सबके पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करें, ऐसा तो नहीं हर एक को अलग अलग पेपर दिया करने सब, ठीक है। जब मैंने अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी इसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग पासिंग द एग्जाम इस सबकी 100% है क्योंकि सब बच्चों का एक ही पेपर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको एग्जामिन करने से पहले खुद ही सोच लिया तो इसका मतलब देयर इज सम बायसनेस इनसाइड माई कि कुछ बायसनेस जो है वो मेरे पास पहले से जो है वो मौजूद है और ये बायसनेस होती है और ये काम भी आती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल होने और पास होने में। एक अच्छा बच्चा हो अगर वो सही भी ना करे तो फिर भी नंबर देने का दिल चाहता है और एक बुरा बच्चा हो अच्छा भी कर ले तो नंबर काटने का दिल चाहता है, तो ये बायसनेस जो है ना वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो मॉडल भी हमारा इस बायसनेस की तरफ जाएगा जाएगा, हम बहुत आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बायस मैथमेटिकल टर्म में क्या होती है मैं आपको इधर दोबारा समझाता हूँ, देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा है तो इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, तभी हमने पढ़ा ही नहीं उस तरह से मैथमेटिक्स को तो हमें वो इंटरसेप्ट कभी समझ में ही नहीं आया। लेट्स सी, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है,
हमारे पास एक्स है, ठीक है, और हमारे पास जो है ना वाई भी है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई एक आदमी जो है, समझिएगा इस बात को, एक आदमी या मैं, एक आदमी क्या बोलूं, मैं अपने ऊपर रख लेता हूं कि भाई मैं अगर जो है ना दो रोटियां खा लेता हूं, ठीक है, मैं अगर दो रोटियां खा लेता हूं, टू, जब मैं दो रोटियां खा लेता हूं तो मैं आराम से 5 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूं, समझिएगा इसको। तो इनपुट मेरा क्या हो गया, दो रोटियां, और आउटपुट मेरा क्या हो गया, 5 किलोमीटर। सबको ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर, फिर यस सर। अच्छा, आप समझिएगा इसको, तो इससे मेरी इक्वेशन क्या बनी, इससे मेरी इक्वेशन सिंपली ये बन गई कि वाई जो है वो बराबर हो गया किसके, किसके बराबर हो गया भाई, के टू प्लस बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय प्लस 2.5, यानी ये हो गया, मैंने 2 इनपुट डाला तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यस सर, ठीक है, सबको ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सीन क्या हो रहा है, आप समझिएगा, जरा साथ रहिएगा सीन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि एक दिन जो है मैं 4 रोटियां खा के आ जाता हूं, बजाहिर 4 रोटियां खाने के बाद मुझे कितना चलना चाहिए, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने की एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन 10 चलने के बजाय मैं जो हूं वो 13 चल जाता हूं, मेरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब बताएं क्यों, एनर्जी ज्यादा, क्योंकि 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 अगर मैं सुने 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 क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल विदाउट बायस मेरे पास मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, 0-0 होना चाहिए था, जहां पर रोटियां भी कितनी होती, 0 होती, और एनर्जी भी कितनी होती, 0, ठीक है, कि मैंने कोई रोटी नहीं खाई भी इस पॉइंट पर, और कोई एनर्जी मेरे पास चलने की नहीं है, तो मैं यहां होता। लेकिन बात यह है, क्या जब मैंने रोटियां खाना शुरू करी तो आई वॉज डेड? हाँ भाई, नो सर, आपके पास एनर्जी थी, उसके पास उस वक्त मेरे पास एनर्जी थी, इसलिए मेरा ग्राफ जो है वो एनर्जी में यहां से शुरू हो रहा है और यूं इंटरसेप्ट करके जा रहा है, बजाय इसके कि यहां से जाए। आ रही बात समझ गए? तो ये इंटरसेप्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे पास पहले से कुछ चीज मौजूद है, दिस रिप्रेजेंट्स के मेरा जो रिजल्ट है वो इतने परसेंट क्या हुआ है, पहले से एक तरफ झुका हुआ है, बायस्ड है, इसलिए इसको बायस कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि यहां पर हो, इन सम केसेस, ह्यूमन केसेस में तो यहां नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इन सम केसेस ये लाइन जो है वो नेगेटिव बायस प्लेस में भी चली जाती, जा सकती है। अभी बायस की तरफ समझ आ रही कि इस ये वजह होने की वजह से ये लाइन ओरिजिनली जो है वो नॉन बायस केस में 0 पॉइंट से शुरू होनी चाहिए थी, बट इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि भाई ये 2 से शुरू हुई, इसलिए हमें अपनी इक्वेशन के अंदर मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा एज अ बायस। ये 2 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ताकि मेरा जो काम जो है वो मेरे मॉडल को पता चल सके ऑलरेडी जो है वो 2 किलोमीटर की एनर्जी जो है उसके अंदर पहले से 2 किलोमीटर या व्हाटएवर मौजूद है। बात समझ में आ गई है? यस सर, ठीक है, चलो जी। यस सर, सर एक्चुअली हमारा मॉडल जो है वो बायस होता है बेस्ड ऑन इनपुट डाटा, और जो भी हम इनपुट डाटा उसको देते हैं तो अगर हमारा इनपुट डाटा सही नहीं तो मॉडल आपका बायस हो जाए। हाँ, किस केस में बायस हो जाएगा सुन लो अभी, चलो ये बात यही हो गई तो यही सुन लो। मैं मॉडल को ट्रेन करा रहा हूँ, मॉडल को भाई आइडेंटिफाई करना है कि इफ दिस इज अ मेल और फीमेल, ठीक है ना,
मैं आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ कि मेल है या फीमेल है। अच्छा अब हो क्या रहा है कि मेरे पास फीमेल का डाटा जो है वो 100 रिकॉर्ड है और मेल का डाटा जो है 900 रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसे केस में जब डाटा बराबर नहीं होगा वो ज्यादा मेल को देखेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, ज्यादा मेल की तरफ होगी, ज्यादा मेल की तरफ होगी, ज्यादा मेल की तरफ होगी। तो जब भी उसके पास डाटा आएगा तो वो पहले से बायस होगा कि यार आने वाला तो शायद मेल ही होगा, अभी इतने मेल आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं इसके समझा मिसाल यूं देता हूँ कि भाई मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेल भी आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, फीमेल भी इंटरव्यू के आ रहे हैं। मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया, समझना इस बात को, मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें से भाई उसमें जो है ना 50 जो है ना मेल थी, 50 जो है ना फीमेल थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जितनी भी फीमेल्स आई मेरे पास 20-25 मैंने इंटरव्यू की, सारी फीमेल्स फेल हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने से फीमेल रूम में इंटर होगी तो मैं अपने साथ वाले को इंटरव्यूअर से कहूंगा यार क्यों आ गई, सारी फेल हो रही, ये भी फेल हो जाएगी, कहूंगा नहीं कहूंगा, तो मैं बायस हो गया। ज्यादा डेटा ज्यादा, क्योंकि वुमेन का डेटा जो है वो फेल होने का ज्यादा था मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं इस बात पे बायस हो गया कि सारी वुमेन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। वो अपने माइंड में वही सेट कर लेता है इसको। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल मॉडल भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह चलेगा। अपने सारी कैसे कर सकते हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए जो है ना, वो आपको डेटा जो है इस बायसनेस को, बायसनेस को खत्म करने के लिए डेटा आपको प्रॉप्स बिल्कुल सही देना पड़ेगा कि 100 का डेटा है तो 50 वुमेन फीमेल, 50 मेल, 50 फीमेल, उसमें से 25 पास होने वाले, 25 फेल होने वाले, मेल में भी 25 पास होने वाले, 25 फेल होने, ताकि डेटा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस रिकॉर्ड हो। मॉडल को ये ना लगे कि किसी चीज पे ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी चीज पे कम ट्रेनिंग, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसके पास बराबर जाने चाहिए ताकि वो अनबायस ट्रेनिंग हो, इक्वल डेटा होना चाहिए, अनबायस ट्रेनिंग होनी चाहिए। खैर ये बहुत आगे की बात थी जो मैंने अभी यहाँ कर दी है क्योंकि जिक्र आ गया था। अच्छा एक ये लास्ट क्वेश्चन बायसनेस के हवाले से, लाइक इट कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन द मॉडल और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, लाइक मे बी इट इज नेगेटिव? नहीं, बायसनेस से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक बायस मॉडल बनाए, ठीक है ना, आपने एक्यूरेसी इफेक्ट होती है उसकी, जाहिर है जाहिर एक्यूरेसी पर इफेक्ट होगी बायसनेस की वजह से। लेकिन सर आपका जो टाइम सेव हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप मेल फीमेल की एग्जांपल ना ले, ऐसे एग्जांपल लें कि लेट्स से एक होंडा की ब्रांड है, एक सुजुकी की ब्रांड है, राइट, एक किलोमीटर में दोनों के लिए क्लेम करते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और जब आप इस चीज को 1 से 2 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि होंडा की बाइक ने 2 लीटर में 150 किलोमीटर किया, और जबकि आप ये देखते हैं कि सुजुकी की बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डालें तो वो 140 के बजाय 120 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है, तो आप अब इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं और आपको कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सुजुकी की बाइक में पेट्रोल जितना बढ़ाओ उतनी कम निकल रहा है। अब ये जो बायसनेस है आपके, ये बायसनेस नहीं है, ये बायसनेस नहीं है, लर्निंग है, क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है। एग्जैक्टली, तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि बायसनेस आपका टाइम कंज्यूम, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको बचा रही है। नहीं नहीं, इसको बायसनेस नहीं कहे ना, ये बायसनेस नहीं है ना, ये बायसनेस नहीं है, ये तो एक्चुअल फैक्ट है, तो फैक्ट्स पे चाहे वो ना करे बल्कि वो सिर्फ हमारी एक अजम्पशन हो, रॉन्ग हो। सर वो एग्जांपल चीज गर्ल्स बॉयज वाली। हाँ सर, ये बायसनेस तो तब होगी ना कि अगर वो सुजुकी की बाइक 140 कर रही है और आप बता रहे हैं कि ये 120 करेगी, तो ये बायसनेस है कि वो 20 का डिफरेंस बता रहे हैं आप, अदरवाइज तो ये बायसनेस नहीं है, ये तो फैक्चुअल डाटा है। सर एक बात ये हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी सुजुकी की कोई भी बाइक आएगी तो वो यही कहेगा कि भाई इसने 120। हाँ, मैं इसका टेस्ट लू ही नहीं, मैं इसका टेस्ट लू ही नहीं, ये तो भाई चलती ही कम है 20 किलोमीटर। इसको बायसनेस कहेंगे सर, ये बायसनेस सिर्फ पॉजिटिव हो गया ना,
लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन बात यह है कि क्या ये वाकई हर सुजुकी के लिए ऐसा है? क्या आपने 1000 टेस्ट की सबके साथ ऐसा हुआ या दो तीन टेस्ट करने के बाद ही आपने फैसला कर लिया? सर मैं सवाल ये देता हूँ, दो तीन टेस्ट के बाद किया है, अगर दो तीन टेस्ट के बाद फैसला कर लिया है तो ये बायसनेस हो गई। अगर 100 टेस्ट के बाद ऐसा हो गया तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट हो गया कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर इसमें ये भी हो सकता है कि आप तमाम बाइक का डाटा न्यू बाइक का डालते हैं या पुरानी बाइक का डालते हैं, वो उससे शायद बायसनेस से फर्क पड़ सकता है। वो तो फिर बायसनेस रिमूव करने का एक तरीका आ रहा है कि आप और डेटा लाएं, सही डेटा। बायसनेस अभी बायसनेस अभी और आएगी आगे। अभी तो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं या डिफेमेशन करते हैं तो वहाँ जो है ये यूज की जाती है, जैसे गवर्नमेंट्स करती हैं, एनजीओज करती हैं, तो देर दे यूज दे ट्रेन मॉडल जानबूझ के ऐसे ट्रेन कर ताकि अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट करके और लोगों को जिस तरह से। तो ये होता, ये होगा आपके साथ भी होगा जब आपने कहीं अपना मॉडल डिप्लॉय किया होगा, निकले बेशक नहीं, लेकिन ये तरह से वो लोगों का एक क्राइम बनाई, तो वहाँ आप ये बात करते हैं पर्पसफुली। चले हम जंगे भी ले आए डीप लर्निंग में, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन प्लीज, सर एक क्वेश्चन, सर जब मॉडल हम बनाएंगे तो लेयर्स ये हमारे इन हैंड है, कितनी लेयर्स हम डिफाइन करेंगे? एक दो तरह के पैरामीटर होते हैं जी, बोले जी। हर लेयर में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है वो भी हम खुद से डिफाइन करेंगे, वो भी हमारे कंट्रोल में होते हैं। दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक तो ये वाले पैरामीटर है डब्ल्यू और बी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक पैरामीटर होते हैं हाइपर पैरामीटर जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसलिए इनको डिफरेंस करने के लिए जो है ना उसका नाम हाइपर पैरामीटर रख दिया दैट आर कंट्रोलेबल। ओके, इसका रूल हम पढ़ेंगे कि कितने न्यूरॉन हमें रखें तो सूटेबल रहेगा, आई मीन इनपुट डेटा को देखेंगे। इसमें मैं एक बात जो है ना वो कह दूं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितने न्यूरॉन रखने और कितनी लेयर रखनी है, ये हिट एंड ट्रायल से ही आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं कोई फार्मूला बताऊंगा तो वो मेरे डेटा के लिए होगा ना, आपका डेटा ही दूसरा है तो आप क्या बताऊं सर। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हिट एंड ट्रायल है तो फिर ऑटोमेशन कहां गई हमारी, ठीक है, ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल के बाद आपने एक चीज को ऐसी डिजाइन कर ली ना जो उसको आप कहीं रख दें जाके वो खुद ही काम करती रहेगी, फिर एआई तो ना रहेगी सर, फिर तो नहीं आप समझ नहीं, देखे गलत चलेगा। देखे मैंने ट्रेन करवाया अपने मॉडल को और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अभी सिखा या आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। अब आपको जो है ना वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन निकालनी है, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन निकालने से पहले मैं आपकी क्लास टेस्ट लिए जा रहा हूँ, क्लास टेस्ट ले रहा हूँ, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैं आपको डिप्लॉय तो नहीं करूंगा। फिर आप मैंने दोबारा टेस्ट लिया, एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, मैं तो आपको डिप्लॉय नहीं करूंगा, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि आप इंटरनेशनल टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हैं। अच्छा जब टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, तो क्या जरूरी है कि वही पेपर आए जो मैंने बोला है? दूसरा पेपर भी आ सकता है, लेकिन यू आर रेडी, तो डेटा जो है वो चेंज हो जाता है जब मॉडल डिप्लॉय होता है, वहां तो कोई भी खातून और कोई भी मर्द आ सकता है, वो सारा डेटा वही शक्लें वही तस्वीरें थोड़ी होंगी जो आपने घर में ट्रेनिंग के दौरान दिखाई है। AI तो है ना, सही सर जी। सर आई एम सॉरी इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स काफी वो एडवांस लेवल के हैं, उनके शायद क्वेश्चंस हों क्योंकि हम तो नोविस हैं, तो इस तरह से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए हम बायस को क्यों रिमूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज AI व्हाट आई अंडरस्टैंड इज फॉर रिजॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट जो रियल लाइफ है उसके अंदर तो बायस होता है। जैसे भी इन्होंने अच्छा, एक, एक अजान हो जाए, अजान हो जाए फिर मैं लेता हूँ, अजान हो जाए फिर सुनते हैं, ठीक है, ठीक।
अच्छा जी आप पूछे मैं जैसे कहती कि बायस को रिमूव करने की मतलब रीजन क्या है क्योंकि यही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मॉडल तो रियल लाइफ में तो बायस होता है जैसे अभी आपने रियल लाइफ से एग्जांपल्स दिए ना कि इंटरव्यूज हो रहे हैं मार्क कर रहा हूँ या ट्विटर की इन्होंने एग्जाम्पल दी तो अगर बायस रिमूव करने के तो फिर देखें रियल लाइफ में होता तो है लेकिन क्या बायसनेस अच्छी चीज होती है आप कभी भी ये जो है ना अपने घर में मौजूद किसी शख्स को या किसी बच्चे को क्या बायसनेस सिखाएंगे कि भाई जबकि वो ऐसी चीज हो नहीं तो अगर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने मॉडल में डाल दें हम कोशिश करते हैं हमारा ओवरऑल कोशिश ये होती है कि बायसनेस जो है वो ना हो ठीक है फिर भी बायसनेस होती है अच्छा जी चले आगे यस सर जी सर तो अब ये वाली बात समझ में आ गई कि इनपुट आता है लेयर के अंदर और लेयर के ऊपर जो है ना वहां से वेट जो है मल्टीप्लाई होता है वेट्स आ जाते हैं डब्ल्यू और बी दोनों आ जाते हैं वो भी हमने देख लिया किस तरह आते हैं फिर अगली लेयर में जाते हैं वहां पर दोबारा वेट्स आते हैं और आखिर में जो है वो लेयर पे हमारे पास आउटपुट जो है वो नजर आ जाता है कहते हैं टू कंट्रोल समथिंग अगर बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने टू कंट्रोल समथिंग फर्स्ट यू नीड टू एबल टू ऑब्जर्व इट अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो पहले उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क यू नीड टू बी एबल टू मेजर हाउ फार दिस आउटपुट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड अगर आपने आउटपुट को कंट्रोल करना है तो पहले यह सीखना पड़ेगा जो अभी आउटपुट आया है ये कितना सही या कितना गलत है This job is the loss function of the network. ये job कौन करता है ये loss function करता है आपको याद होगा हमने root mean square बनाया था ये loss function ये job करता है Also called the objective function. और ये objective function करता है The loss function takes the predictions of the network. वो जो network ने predict किया है उसको लेता है And the true target और असली value को लेता है What you wanted the network to output. जो आप चाह रहे थे कि network ये output दिखाए वो असली वाला And computes a distance score उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालता कैप्चरिंग हाउ वेल द नेटवर्क हैज डन जिससे उसे पता चल जाता है परसेंटेज में कि नेटवर्क ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ऑन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल इस एक डेटा के ऊपर यानी अब क्या होगा जब वो प्रिडिक्ट करेगा तो ये प्रिडिक्शन जो है एलिमिनेट करने के लिए काम आता है नहीं 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 ये अभी जो भी आउटपुट आया है बाइस होके जैसे भी तैसे करके ये प्रिडिक्ट किया अब ये प्रिडिक्ट जो है वो कहाँ जाता है प्रिडिक्शन लॉस फंक्शन के पास जाती है जिसके पास ओरिजिनल वैल्यू भी होती है और वो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताता है कि कितना लॉस आ रहा है याद है काम पिछली दफा हमने किया था कि ओरिजिनल जो प्रिडिक्ट वैल्यू आ रही थी उसको हमने लॉस फंक्शन में भेजी थी वहां से हमने ट्रू वैल्यू उठाई थी और दोनों को माइनस करके हमने लॉस का स्कोर निकाला था कोई सवाल यस सर सर क्या ये लेयर्स आगे पीछे हो सकती हैं जो इनपुट के साथ नहीं नहीं लेयर आगे पीछे नहीं होती लेयर जो है वहीं रहती है ठीक है सर थैंक यू अच्छा ये एक और ये कि जितनी भी लेयर्स हम लगाते हैं लेट्स सपोज ये 3 layers 4 layers दिस इज इन आवर हैंड के भाई हम लगा सकते हैं 4 layers 5 layers ठीक है तो अब ये लॉस फंक्शन मतलब ये होगा कि मतलब लाइक ये हिट एंड ट्राई राइट आफ्टर 2 layers आप चेक कर लो लॉस स्कोर कितना आ रहा है 3 layers 4 layers के बाद लॉस स्कोर कितना आ रहा है लेयर फोर लेयर नहीं नहीं आफ्टर वन epoch कि मैंने इस डेटा को इसमें एक बार रन किया डेटा यहां तक आया प्रिडिक्शन आई अब लॉस स्कोर इतना आ गया लेकिन एक epoch में कितनी लेयर्स होनी चाहिए वो भी तो फिर डिसाइड करना है ना नहीं नहीं मतलब epoch में लेयर्स का ताल्लुक नहीं है लेयर तो आपने मॉडलिंग करते हुए आपने मॉडल बना दिया ना अब उन सब से वो डाटा गुजरेगा करेक्ट तो हमने यहाँ देखा था epoch मतलब आइट्रेशन यहाँ हमने देखा था मैंने आपको बता दी कि फोर है ना ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पे एक ही डेटा सेट है और ये फोर है ठीक है और ये मेरी लेयर्स है ठीक है
अब मैं फोर को कह रहा हूं कि भाई ये 100 epochs चले, तो ये फोर जो है वो इस लेयर के अंदर, इस मॉडल के अंदर कितनी बार पास ऑन होगा, 100 टाइम्स। लेकिन ये जो लेयर्स हम डिसाइड कर रहे हैं ना, फोर और फाइव, उसमें उसके लिए भी तो हमको ये देखना है ना कि हिट एंड ट्राई है कि चार लेयर में हमारा जो है वो लॉस स्कोर कितना बन रहा है या तीन लेयर में कितना स्कोर। हाँ, वो कब होगा, वो कब होगा जब आपने क्या किया, इस फोर को बोला है 10 दफा इस लेयर से जाना, 10 दफा लेयर जाने के बाद उसने 10 दफा आउटपुट निकाला और उसका मीन आपको बताया कि इतना एरर आ रहा है, आपने कहा यार इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी एक्यूरेसी आ रही है, फॉर एग्जांपल 80 आ रही है, आपने कहा 80 नहीं चाहिए मुझे, फिर आप क्या करेंगे, अब आप कोई चेंजेस करेंगे मॉडल के अंदर, आप लेयर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेयर का साइज न्यूरॉन कम ज्यादा कर सकते हैं एक लेयर में, आप जो है ना ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं, आप लॉस फंक्शन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी चेंजेस आपको करनी है वो करें और दोबारा से मॉडल चलाएं। अब एक्यूरेसी 90 हो गई, आपने कहा यार 90 भी एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे, 98 चाहिए, अब आप कुछ और चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये आई थिंक देयर इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द ईपॉक एंड द नंबर ऑफ लेयर्स, बिकॉज ऐसा मतलब एक इमेजिन करें कि सिचुएशन है जिसमें मैंने तीन लेयर डिसाइड कर ली, ठीक है, एक ईपॉक रन करने पे या दो ईपॉक रन करने पे मुझे लॉस फंक्शन मिल रहा है 95%। ओके, लेट सपोज इफ आई रन 10 मोर epochs on those three layers, हो सकता है कि मेरा loss function improve हो जाए, possible है? उसमें देखें क्या होता है, ज्यादा epoch चलाने से, आप देखेंगे कि क्या होगा, लर्निंग का जो ग्राफ है कि हमने पिछली दफा एग्जाम्पल में किया भी था कि जब मैंने 40 epochs चलाए थे तो मेरा लर्निंग का कर्व जो है वो यूं जा रहा था, लेकिन जब मैंने 100 epochs किए तो मेरा लर्निंग का कर्व जो है वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है, वापस जाना शुरू हो गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके डेटा के अंदर जो है ना एक स्ट्रेंथ होती है, अब ये सारी एडवांस बातें जो हम यहां पर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे करनी पड़ रही, स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ तक और आपके मॉडल की भी ताकत होती है लर्निंग की। एक तो यह कि आपने मॉडल बहुत बड़ा बना दिया, 50 लेयर लगा दी, लेकिन डेटा के अंदर फीचर्स कम थे, डेटा के रिकॉर्ड्स कम थे, अब वो 50 लेयर में से जब गुजर रहा है तो इतना फिल्टर हो जा रहा है, कि वो दो ईपॉक चलने के बाद ही मॉडल ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उठा पटक करके निकाल ली। अब आपने चलाए हुए वहां पर 10 epoch, जब आप ये 10 epoch चले, 2 epoch के बाद क्या हुआ, मॉडल ने डेटा के अंदर जो कुछ था पूरा निचोड़ लिया, मतलब एक्यूरेसी आने लगी, एक्यूरेसी आ गई, जितनी डेटा के अंदर से आ सकती थी आ गई। अब आपने लेकिन क्या बोल रहे हैं, नहीं और निकालो, जब और निकालता है तो वो जो उसकी लर्निंग के जो पैरामीटर उसने लर्न किए होते हैं W और B, ज्यादा लर्निंग की वजह से वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं लर्निंग करो तो वो कहता है ठीक है करूंगा, ये बिल्कुल ऐसा ही एक बच्चे को जो है ना आप 5 घंटे पढ़ाए, अब वो सेचुरेशन लेवल आ गया उसका, अब उसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप कह रहे हैं और पढ़ 5 घंटे और पढ़, तो फिर क्या होगा, जो पढ़ा है वो भूल जाएगा। तो बिल्कुल सेम मॉडल के साथ होता है कि जब एक लेवल आ गया उसका कि भाई अब पैरामीटर सेट कर लिए उसने, एक्यूरेसी आ गई है वहां तक 90-95 एक्यूरेसी आ गई है, लेकिन आप कह रहे नहीं और epoch चलाओ, जब और epoch चलाएंगे तो अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो फिर गिरना शुरू हो जाएगी, कि वो पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस, ये चलता इस, है, हाँ, तो इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा लॉस फंक्शन है वो डिपेंड करता है मेरी नंबर ऑफ लेयर्स पे, ना के epoch पे, क्योंकि दोनों पे देखें, दोनों पे एग्जैक्टली, बड़ी ज्यादा डेटा कम है, epoch लेयर बहुत ज्यादा है, डेटा कम है और आपने epoch बहुत चला दिए, ये मसला बन जाएगा, और आपने डेटा बहुत ज्यादा है, लेयर्स बहुत कम बनाई, एक दो ही बनाई है, तब भी ये फंसेगा कि वो ज्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्लियर क्लियर क्वेश्चन। सर, ये क्वेश्चन भी जो है वो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉस फंक्शन बहुत सारे होते हैं, प्रॉब्लम के लिए दो लॉस फंक्शन कर लिए, एक से जो है उसका लॉस कम आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो आप किस पे रिलाय करेंगे, अरे उसको लेंगे जिसपे लॉस कम आ रहा है, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सर मैं एक मिनट क्लास में हूँ, थोड़ी सी देर में कॉल कर लें, 10 मिनट में, 10 मिनट में, चलो ठीक है। हाँ जी, बोले, जो
डिसीजन है वो सही नहीं आ रहा तो डाटा वापस जाएगा तुम्हारा। जी बिल्कुल डाटा वापस जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लेयर्स हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि बाबा जो मुझे जो क्वेश्चन से ये आ रहा है इम्प्रेशन कि हमारे जिम्मे वी आर इन मशीन लर्निंग जो उसका बेसिक की तरह है तो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं और ये चाहते हैं, लेयर हमने भी डिसाइड करनी, मतलब एज पर जो है ना द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग लेयर तो वो जो हमारे वो हाइपोथेसिस स्पेस से वो एटम फीचर इंजीनियरिंग जो ये जो फीचर इंजीनियरिंग है यही तो डीप लर्निंग का है कि वो उसको ऑटोमेट कर रहा है। नहीं तो फीचर इंजीनियरिंग का ताल्लुक मॉडल से नहीं, फीचर इंजीनियरिंग का ताल्लुक डेटा से है कि मैं मॉडल के अंदर कौन से कॉलम्स का डेटा कौन कौन से फीचर्स फीड करूं। अच्छा तो ये लेयर्स वो हैं कि हम एक्चुअली ट्रेनिंग के पार्ट पे बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रेन कर रहे हैं ये ट्रेनिंग की लेयर्स हैं। एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग के लिए है कि जो डेटा पीछे से आ रहा है उनको कितना फिल्टर करना है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स इसकी अपनी भी हैं जो ये चला रहा होता है, थाउजेंड्स ऑफ कोर्स थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स तो हम उसको नहीं कर सकते ना, थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स नहीं वो थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं वो जनरेट कर रहा होता। सही तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे जिम्मे ये है कि हमने जो जिस पे हमने एक्चुअली करना है, जिस पे हमारी एक्सपर्टीज होनी है कि हमने क्या करना है कि वो मॉडल का स्ट्रक्चर बेस्ट क्या होगा, हमने आपने क्या क्या उठाने हैं, कैसे उसे ट्रेन करना है, किस तरह से ट्रेन, ये हम पे है, फिर उसके बाद फिर उसके हवाले कर देंगे फिर व्हाट एवर इट प्रोड्यूसेस। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अगर हमारे डिजायर्ड रिजल्ट आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो हम कुछ और चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर। राइट सर। अच्छा जी, अब क्या होता है कि लॉस फंक्शन से लॉस आ गया, इसके बाद जो है रिजल्ट हमारे एक्सेप्टेबल नहीं आ रहे, तो ये लॉस फंक्शन जो फीडबैक बनता है ये वेट्स को दोबारा से क्या करता है, एडजस्ट कराता है। जैसे हमने मैनुअल जब कर रहे थे तो हमारा इक्वेशन हमने दिमाग में बताई, लेकिन उस इक्वेशन पे जब हमने आगे की वैल्यूज फिट करी तो वो इक्वेशन गलत हो गई, तो इसका मतलब ये फीडबैक सिग्नल मिल गया कि जवाब गलत आ रहा है, कुछ और वेरिएबल सेट करो एम और बी के, हमने कुछ और, तो ये फीडबैक सिग्नल जो है वो इस तरह क्या होता है, किसके पास जाता है, एक ऑप्टिमाइजर के पास जाता है, जो ऑप्टिमाइजर जो है फिर नए वेट्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डालना शुरू करता है, बैक प्रोपोगेशन करता है, ठीक है, बैक प्रोपोगेशन करेगा, यानी इसको देखें तो यहां पर अगर हमारे पास जो है वो घूमता घूमता इस जगह पे एक रिजल्ट आ गया और वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये रिवर्स प्रोपोगेशन होगी हर डायरेक्शन में और वेट्स जो है वो रिवर्स में दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये वहां तक रिवर्स प्रोपोगेशन करता हुआ जाएगा, ठीक है, ये सारी मैथमेटिकल होती है, इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा मैं ये बैक प्रोपगेशन जो है मैथमेटिकली कैसे होती है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक दोबारा रिजल्ट जनरेट होगा, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा बैक प्रोपगेशन जो है वो ये करना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये काम जो बैक प्रोपगेशन का होता है प्रोपगेशन मॉडल की तरफ से होगी या हम वैल्यूज देंगे? नहीं नहीं ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्टिमाइजर का काम है, ये ऑप्टिमाइजर भी डिफरेंट किस्म के ऑप्टिमाइजर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, कोशिश की थी आगे तक जो है ना वो हम जाएं, ये आगे थ्योरेटिकल है सारा आइस गैस के, ये आप लोग जो है ना वो खुद कर लेंगे, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री चल रही है, ये चल रही है, ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ के रखना है, अगली क्लास में हम जो है ना वो चले जाएंगे दूसरे चैप्टर पे, सारा थ्योरेटिकल है, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने अभी आपको यहाँ करा दिया, इसको आप हाईलाइट करके जो है ना मोटी मोटी बातें जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गो टू पेज नंबर 4, आ रहा हूँ मैं देख लूँ कोई ऐसी बात आगे रहना जाए जो मुझे करवानी पड़ेगी, सारा थ्योरेटिकल बस पढ़ते चले हैं, खत्म होगी नहीं होगी ये जबानी, हम बातें कर चुके हैं सारी, चैप्टर 2 आ जाता है जी, अब बताएं मुझे पेज नंबर 4 ये जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो इमेज है ना सर इसके हवाले से मुझे बात करनी थी, किसकी, ये जो इमेज है ना सर देखिए इसमें हम ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए सर जी, ये जो इमेज है सबसे बाहर वाली लेयर में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है, इस पूरे कॉन्टेंट में हमारा जो फोकस है वो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग को फोकस किए बगैर हम डायरेक्ट डीप लर्निंग पे हमें जाना चाहिए या पहले हमें
हमें आउटर लेयर को फोकस करना चाहिए, फिर इनर लेयर और फिर उसके बाद वाली इनर लेयर? देखें, मैं इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि इस पॉइंट से आगे जब हम नंपाई और पार्टनर्स पढ़ चुके हैं, यहां से आगे प्रोसीड करने के लिए आपका जो फोकस है वो किस लेयर पे होना चाहिए, या हमें मतलब किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? एक है इंटेलिजेंट लर्निंग, लेट्स से कि हमने अगर डीप लर्निंग पे फोकस करना है तो बाकी सारी चीजों को बाईपास करें और सीधे डीप लर्निंग में घुसें, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने अगर आपको डीप लर्निंग पे फोकस करना है तो पहले कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, कंप्लीट मशीन लर्निंग आनी चाहिए और फिर डीप लर्निंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे ख्याल में, अगर आप, क्योंकि ये जो पीछे वाला डोमेन है ना, ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल डोमेन था, ये मशीन लर्निंग में जो है ना कुछ प्रैक्टिकल डोमेन आया, अच्छा मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल डोमेन आया, उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम जो है ना वो आए, ठीक है, फिर हम डीप लर्निंग पे आ गए। अच्छा डीप लर्निंग में डायरेक्ट क्यों आ गए? वो इसीलिए आ गए कि अगर आपको मशीन लर्निंग के वो एल्गोरिदम नहीं आते जिनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है और चार पांच नाम है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा ये कुछ एल्गोरिदम है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, अर्ली न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद कर्नल मेथड्स। अच्छा ये सारे जो है ना वो आप ये सारे पढ़ भी सकते हैं, ये सारे मशीन लर्निंग, प्योर मशीन लर्निंग, डिसीजन ट्रीज, ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे मशीन लर्निंग के। अच्छा ये सारे अगर ना भी पढ़े हों तब भी आप डीप लर्निंग में आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो अच्छी बात है, उसे ये वाले जो है वो आने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आते तो ये नहीं है कि वो जो है ना वो डीप लर्निंग नहीं कर सकते, डीप लर्निंग जो है ना फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल ही इनके अपोजिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी टेक्निक बिल्कुल ही चेंज है, जिसका कोई भी रिलेशनशिप जो है ना पीछे की किसी कोई बार को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा। इसलिए अगर कोई रैंडम फॉरेस्ट की आपको नॉलेज नहीं है तो इट डजंट मीन कि रैंडम फॉरेस्ट डीप लर्निंग में इस्तेमाल होगा कहीं और हमें नहीं आता होगा इसलिए पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। नंपाई और पांडास का नहीं है, डायरेक्ट अब आएगा, डेटा साइंस का एक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का है, वो डेटा साइंस का। तो ये गूगल के पेपर हैं नंपाई और पांडास के? नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा साइंस के, गूगल का नंपाई पांडास का नहीं, गूगल का टेंसर फ्लो का है जो अभी आप कर रहे हैं, उसका इसकी तैयारी हो रही है। फिर वो लास्ट नोटबुक ना शेयर कर दें, जो आपने एग्जांपल कराई थी ना लास्ट टाइम, तो वो शेयर कर दें प्लीज। नोट सर मैं डाल देता हूँ। जी हाँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे भी असल में निकलना है। सर पॉइंटर्स की असाइनमेंट लेंगे आप? पूछता हूँ अभी, नहीं सर अभी नहीं, पॉइंटर्स की असाइनमेंट। अच्छा मैं पूछता हूँ अभी, वो सोल्यूशन के साथ दी थी, सोल्यूशन भी साथ दिया हुआ था मेरे ख्याल में, दिए डाले हुए सर, जो न्यू रिसोर्सेज है उसमें टू है असाइनमेंट्स। सही है तो उसको प्रैक्टिस करें फिर। मैं वो उसका लिंक देता हूँ ना डायरेक्ट फाइल का, ये आ गई ना। कमेंट्स में डाल दे रहा हूँ लिंक, ठीक है, चैट में। ये चैप्टर भाई थ्योरेटिकल है पूरा, सब लोग पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, कमेंट्स में से उठा लें उसको। मैं फेसबुक ग्रुप पे भी लिंक पोस्ट कर देता हूँ, आगे अगर कोई देखना चाहे।
ठीक है, यहाँ भी डाल दिया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हो गया, ठीक है भाई, सर अल्लाह अल्लाह अल्लाह।